में कि सर हमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, सिक्स्थ और सेवेंथ, लेट्स सी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एक बार पढ़िए प्लीज. अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टेबल, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द कॉइन जस्ट स्लिप्स व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 आर फ्रॉम द सेंटर. जब आपने 4 आर पे रखा है तो कॉइन की क्या हो रही है बेटा, जस्ट स्लिपिंग की कंडीशन हो रही है. जस्ट स्लिपिंग हो रही है. आपने एंगुलर वेलोसिटी क्या कर दी, डबल. तो पूछा जस्ट स्लिप कब होगा, बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती. हाँ सर ये करते हैं. तो बेटा देखो ये कितना ही दो कौड़ी का सवाल था. इधर देखो पिच करते हैं बेटा, माइक ऑफ कर लो अपना. हमें जस्ट लुक है, ये तुम्हारी टेबल है, ऐसे करके दिखाई है मैंने, बोलो चल जाएगा. यस सर. और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस एक्सिस के अबाउट, इसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मेरी टेबल ऐसे करके क्या कर रही है, बोलो. रोटेट कर रही है. कितने से? ओमेगा. ओमेगा से. इस बात का फील आता है कि नहीं आता है? हाँ सर. हाँ सर आ गया. ये तुम्हारा कॉइन है, क्या ये कॉइन है जो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है बच्चे? 4 आर. 4 आर. और 4 आर में आपको लिखा हुआ है कौन सी कंडीशन है? डबलिंग है, एंगुलर वेलोसिटी, जस्ट स्लिप हो रहा है. 4 आर पे कौन सी कंडीशन है बच्चों? जस्ट स्लिप हो रहा है. एक बार कॉमन सेंस की बात बताओ, कॉमन सेंस की बात बताओ. किस फ्रेम में आ जाओ बेटा? मक्खी फ्रेम. मक्खी फ्रेम. थोड़ो फ्रेम. मक्खी फ्रेम में. अगर मक्खी फ्रेम में आ जाओ तो मक्खी के फ्रेम में इस पे बाहर की तरफ m into 4r into omega square की सूडो फोर्स लग जाएगी. Yes sir. Yes sir. और क्योंकि जस्ट स्लिप है, इसका मतलब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से रोक के रखी हुई होगी. fs max. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आई बात समझ में बच्चे? आ गई समझ में. आ गई सर. बोल देंगे 4mr omega square this is equals to how much? fs max. fs max. ओके. अब देखो, अब सेकंड केस की फिगर बना लो. सेकंड केस में मान लो यही टेबल है, तुमने ओमेगा क्या कर दिया है अपना? डबल. डबल कर दिया है. ओमेगा कर दिया है डबल. तो डबल मतलब अब कितना ओमेगा है बच्चों? 2 ओमेगा. 2 ओमेगा. एंड जस्ट अज्यूम, मान लेते हैं अब जो कॉइन का डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, लेट अस से x. और यहाँ पे फिर से जस्ट स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर. तो कितना सुंडो फोर्स लग रहा होगा, कितना सुंडो फोर्स होगा मक्खी फ्रेम में? m into x 4 ओमेगा स्क्वायर इनटू 2 ओमेगा का होल स्क्वायर. और क्योंकि जस्ट स्लिपिंग है यहाँ पे भी, तो fs max कौन बैलेंस करके बैठा होगा बेटा, बोलो. fs max करके बैलेंस करके बैठा होगा. आप फिर से लिखेंगे fs max equals to 4 mx ओमेगा स्क्वायर. 4 mx ओमेगा स्क्वायर. ये बात समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो? हाँ सर आगे. यस सर. ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन, इन दोनों का RHS सेम दिख रहा है? हाँ सर. तो LHS भी दोनों का क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए. तो अगर मैं LHS इक्वेट कर दूं तो शायद X का वैल्यू कितना दिख रहा है, बोलो. आ रहा है. आ दिख रहा है. आ रहा है. आ रहा क्या? बात खत्म हो गई. आंसर है. मैं क्या करूं भाई? मैं क्वेश्चन नंबर 7th पढ़िए. 7. हां बोल बेटा. Instead of assuming the balancing force to be fs max, I just assumed it to be a force f and solved. Is that okay? बेटा जस्ट स्लिप पे तो मैक्सिमम लगेगी ना बालक. कंडीशन. यस सर. जस्ट स्लिप लिखा है, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें एफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो एफ की जगह एफ एस मैक्स लिखना चाहिए. नो सर, आई डिड अज्यूम इट टू बी फ्रिक्शन एट ऑल. आई जस्ट अज्यूमड इट टू बी अनदर फोर्स एफ व्हिच इज सेंट्रीपेटल. इज नॉट सेंट्रीपेटल. इतना चप्पल पड़ेगी ना, मक्खी के फ्रेम में सेंट्रीपेटल फोर्स होगी? नो सर, नॉट सेंट्रीपेटल सर, बट जस्ट अनदर फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग इट. व्हिच फोर्स? एक मिनट. बैलेंसिंग होम. बैलेंसिंग होम. सूडो फोर्स किस फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स होती है? नो सर. तो बेटा बैलेंस वाली बातें किस में होती है? बैलेंस वाली बातें ग्राउंड फ्रेम में होती है कि बैलेंस वाली बातें सूडो फ्रेम में होती है? पूरे 2 लेक्चर लग गए सिखाने में तुमको, बताओ. या तो ऐसे बोलो सर कि इन द ग्राउंड फ्रेम फ्रिक्शन इज दैट फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. ये बात समझ में आती है कि नहीं? यस सर. या फिर ऐसे बोलो कि सर सूडो फ्रेम में फ्रिक्शन इज द फोर्स व्हिच इज बैलेंसिंग द सूडो फोर्स. कोई दिक्कत है? नो सर. नो सर. 7th क्वेश्चन पढ़िए प्लीज.
That's the same. Now you equate in terms of T. A mass of 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string. At an initial speed of five revolutions per minute. मतलब यहाँ पे क्या है भाई, who is providing the centripetal force? सोच के बता. Attention. मतलब क्या है, देखो इधर देखो, एक मास है कितने मास, कितने उसका जल्दी बताओ, 2 kg का जिसका वो कितना है, रेडियस कितनी है, रेडियस हमें पता नहीं, मान लो कितनी रेडियस है, आर है, आर रेडियस, और इसको आप इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं तो ऐसी सोच के बताना, फील लेके बताना, who must be providing the centripetal force here? पक्की बात है? पक्की बात है? बहुत अच्छी बात है. सुनो बेटा, टी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर. मेरी बात से एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? यस सर. हां सर. ठीक है, अब वो कह रहा है रेडियस को क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट रखना है, पर टेंशन डबल, टेंशन को क्या कर देना है, डबल करना है. तो रेडियस तो सेम रहनी चाहिए, रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? हां सर, रहनी चाहिए. हां सर, रेडियस को सेम रखेंगे, टेंशन को कितना कर देंगे, डबल कर देंगे, डबल कर देंगे. तो क्या ओमेगा सेम रहेगा? नहीं सर, बदल नहीं सर. तो यहाँ हमने माना था ओमेगा है, यहाँ हम क्या मान लेते हैं, ओमेगा नॉट डैश है. तो अब इक्वेशन जो हो जाएगी, वो जाएगी 2t इज इक्वल टू mr ओमेगा डैश स्क्वायर, ओमेगा प्राइम का स्क्वायर. मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं. तो बेटा ओमेगा पता है, ओमेगा प्राइम नहीं निकल आएगा यहाँ से. करूँ आगे? बट दे सेड स्पीड, दे नॉट सेड एंगुलर वेलोसिटी. बेटा बट कॉमन सेंस की बात है, चारों आई नो बट आई आर पे दे रखा है. I used omega and I didn't get the correct answer. RPM जो answer 0.07 is right. Sir, जो answer आ रहा है वो points में आ रहा है, तो हम लोग 7. Ah, could you round it off to 7? No, so option. हाँ, तो nearest लगाओ. Yeah, we can round off to 7. हाँ sir. क्या nearest क्या आ रहा है? Seven point zero seven answer. एक बार बताओ ना, equation number 2 को equation number 1 से क्या कर दीजिए आप? Divide कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 बराबर mm कट जाएगा, rr भी कट जाएगा. You will get omega prime का square upon omega square. Omega prime का square is equal to 2 omega square. And then root 2 omega. Omega square. बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. Omega prime is good. Yes sir. अब मैं बेटा यहाँ तुम्हारे साथ एक चीज discuss करना चाहता हूँ, इसको सीखो. आप में से हर बच्चे ने क्या काम किया है उसको समझ लीजिए. Omega prime का square is equal to 2 omega square, और आपने किया क्या होगा? 2 ओमेगा का स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया होगा? 5. ये ओमेगा प्राइम का स्क्वायर आ गया होगा 50, तो ओमेगा प्राइम का जो ओमेगा प्राइम की वैल्यू होगी वो रूट 50 आ रही होगी. बोलो हाँ या ना? यस सर. दैट्स आल्सो दिख रहा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 47 के आसपास ही आएगा. हां 7.07. हां सो ओमेगा इज मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड, नोटिस दिस. हां तो बेटा वही बता रहे हैं ना यार, परेशान मत हो. ये आंसर आपका आना चाहिए. हाउ मच इज दिस मच, प्लीज टेल मी. 7.07 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 7 rpm. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको दिक्कत क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये वाला ओमेगा भी आरपीएम में दिया था और आंसर भी किसमें पूछा था? आरपीएम में. आरपीएम लेकिन एक्चुअल में आरपीएम ओमेगा का यूनिट नहीं है. ओमेगा की यूनिट क्या होती है? तो अब समझो, समझना इस बात को. सपोज तुमसे बोला गया, क्या हो रहा है भैया, व्हाट इज, क्या है ओमेगा? 2 rpm. बोलो बात समझ में आती है? यस. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल ओमेगा. आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. रेवोल्यूशंस पर मिनट. इसका मतलब है ये ओमेगा नहीं है, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया हुआ है आपको कितने टाइम में? 1 minute. 60 seconds. एक बात में समझना बेटा, 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं? 2 revolutions. तो 1 second में कितने रेवोल्यूशन हो रहे होंगे? 2 by 60. अभी सुनना ध्यान से, 1 second में रेवोल्यूशन कितने हो रहे हैं?
1/30 आप समझो. और एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना घुमा जाता है 2π पढ़ा है 360 यस सर. तो 1/30 के अंदर एंगल कितना घुमा गया होगा 5/15 इनटू 2π करोगे कि नहीं करोगे. हां सर करेंगे. तो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस इज पाई बाय 15 एंगल इन रेडियंस पर सेकंड. क्योंकि एक सेकंड में एंगल निकाला है ना घुमा हुआ. नहीं आई बात समझ में. यानी कि 2 RPM is actually equal to pi by 15 radian per second. ये omega है बेटा pi by 15. ये omega नहीं है. ये number of revolutions per minute दिया हुआ है. Omega की value pi by 15 radian per second है. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ sir. Yes sir. इस question में फर्क क्यों नहीं पड़ा? मैंने क्यों नहीं change किया उसको? Radian per second. Answer भी यार. दोनों तरफ RPM है तो सेम फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करोगे उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता. इसलिए फालतू का पेन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन याद रखना RPM ओमेगा नहीं होता है. कई बार क्वेश्चन में लिख देगा RPM लेकिन आप ये मत करिएगा कि ओमेगा की जगह RPM पटक देंगे. ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा उससे. क्या बात समझ में आती है कि नहीं? हाँ सर आती है. सुनो इधर ध्यान से. कई बार तुमको ये भी मिल जाएगा कि वो तुमको ओमेगा बोल देगा. ओमेगा इज इक्वल टू 4 RPS. RPM की जगह RPS. RPS बोले तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड. तो अब इसका ओमेगा कैसे निकलेगा? आप सीधे सीधे बोलोगे एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहा है? 4. और एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना होता है? 2π. इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में टोटल एंगल कितना घुमा जा रहा है? जल्दी बोलो. 8π. आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा. तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा. ये इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है जी. खैर इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि RPM में दिया था. RPM में पूछा था इसलिए फालतू फर्जी काम करने की जरूरत नहीं है. तो सर हमको ऑप्शन देख के जज करना पड़ेगा ना. हाँ एग्जैक्ट. एक्सरसाइज 1 में और कोई दिक्कत है? और कोई सवाल? नो सर. क्वेश्चन 5 का डायग्राम बता सकते हो? सिलेंड्रिकल डेथ वेल बना लो बेटा. पर उसमें लास्ट में क्या दिखा है? When the floor is removed. तो उसका क्या मतलब है? When the floor is removed मतलब नीचे से फ्लोर हटा लिया? अच्छा मतलब वो उससे खड़ा नहीं था ना फ्लोर पे. मतलब बस वो बताना चाहते कि गिरेगा वो कहावत. हाँ मतलब फ्लोर हटा लिया तो नीचे स्लिप होने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन रोक लेगा उसको. है कि नहीं? हाँ ओके सर बस ठीक. एक्सरसाइज 2 में आप लोग कौन से सवाल में क्या कह रहे थे? किस सवाल में कह रहे थे बताओ? सेकंड वाला. सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला एवरीथिंग एल्स तो लेट मी सी. अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर ठीक है भाई इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री. थीटा दे रखा है आपको 15 डिग्री. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ अ रेस कार एंड द रोड इज 0.2. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. और उसने बोल दिया जी का वैल्यू 9.80 लेने की हो रही है. पहला ऑप्शन द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार रेस टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर्स इज 28.8. बताओ भाई ये मैंने क्लास में सिखाया था. वियर एंड टियर नहीं चाहिए अपने को. इसका मतलब क्या है? अपने को क्या मांगता है? अपने को फ्रिक्शन मांगती है कि फ्रिक्शन नहीं मांगती है? नहीं मांगती है सर. फ्रिक्शन कब नहीं लगती है? कब नहीं लगती है? जब रूट आर जी टैन थीटा स्पीड होता है. ये सब पढ़ा है ना तुमने क्लास में भाई? हां सर. रख दो ये 9.8 रख दो इसके साथ 10.15 रख दो आंसर निकाल लो. मैं क्या करूं मैं सर? नाउ इफ यू टेक 0.268 दी आंसर. कैन यू जस्ट ट्राई फॉर क्वेश्चन? इजी था. कैलकुलेशन ही कंफ्यूजिंग था. क्वेश्चन बहुत इजी था. क्वेश्चन इजी है. कैलकुलेशन में ही जा रहा है सर. तो 10.15 की वैल्यू बता दो मुझे. सो 0.268 लोगे ना 0.26 आएगा सर. है भैया सर 0.268 लोगे ना तो ही आंसर आएगा प्रॉपर. हाँ तो ले लो 0.268. क्या दिक्कत आ रही है? क्या आ रहा है? आंसर 28.4 सर. ऐसा है लाओ रुको मैं कैलकुलेटर. अभी खोलता हूँ मैं कैलकुलेटर. रुक जाओ जरा. 300 इंटू 9.8 इंटू 0.268 ये आया 787.92. इस पूरे बवाल का क्या मांगता है अपने को? स्क्वायर रूट सर. तो 28. भैया मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से 28.06 आ रहा है. यस सर. यस सर मेरे सर. यस सर. जो कि राउंड ऑफ करके कितना हो जाता है बेटा? 28.1. सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से बिल्कुल 28.1 आ रहा है. तो क्या समस्या है?
इतना फर्क आ रहा है क्या? 28.1 ही आ रहा होगा ना आंसर यार? नहीं सर, बहुत एक चीज समझो, एक चीज समझो, अब तुम बोलो सर इसको मैं 0.268 की जगह 0.2 ले लू तो बहुत फर्क आएगा ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। बेटा तुम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़े हुए, ये राउंड ऑफ करके अल्टीमेटली जब सिंगल डेसिमल प्लेस तक जाएगा तो 0.2 जाएगा या 0.3 जाएगा? 0.3 जाएगा ना यार, पहली डेसिमल प्लेस हटाओगे तो ये 0.27 बनेगा, फिर हटाओगे तो 0.3 बनेगा ना राउंड ऑफ करके। इतना पता है कि नहीं पता है रूल्स ऑफ राउंडिंग का? इसमें तो ये इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, सेकंड वाला जो पार्ट है ना सर, उसमें तो वो प्लस माइनस भी करना है ना सर, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है सर, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, बी पार्ट सॉल्व करूं मैं इसका, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या बी मैक्स के फार्मूला लगाना है? बी वाला पार्ट राइट है, बी वाला पार्ट करूं मैं? यस सर, मेरा अलग आ रहा था। तुम्हारा अलग क्यों आ रहा था भाई? मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लेके हो गया था। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का सीधे सीधे फार्मूला नहीं पता है तुमको? सब वो कैलकुलेशन में सर, डेसिमल आर जी इनटू म्यू प्लस टेन थीटा इनटू 1 अपॉन म्यू अपॉन वन माइनस न्यू टेन थीटा, ये पढ़ा है ना फॉर्मूला आपने? हाँ सर पढ़ा है। हाँ सर। रखो ऊपर वाले का नाम लेके फॉर्मूला क्या है, 300 इनटू 9.8 म्यू, म्यू कितना था? 0.26 लेके इधर आ रहा था, 0. दिस अपॉन वन माइनस 0.2 इनटू 0.26, कर लो कैलकुलेट। हाँ सर। सर इसमें टेन थीटा की जितनी बड़ी वैल्यू लेते बस उतना ही एक्यूरेट आता। जो वैल्यू मैंने फ्रैक्शनल में लिया था, मतलब रूट थ्री माइनस वन पॉइंट टू रूट टू, उससे निकाला तो बहुत ही अलग आ रहा था सर। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या रूट में लिखने से? माइट हैव गॉन रॉन्ग इन कैलकुलेशंस, पर मैंने दो बार चेक किया सर, मेरा आंसर वही आ रहा था। तो कैलकुलेशन गलत की होगी आपने, सिंपल सी बात है। इसको मैं कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ, वैसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इसको कैलकुलेटर सॉल्व करने की। कोई करके बताओ कितना आ रहा है सर? 38.13 तो बस बात खत्म हो गई, क्या करूँ इसमें? 38.13 है अगर, तो राउंड ऑफ करोगे तो 3 हटने से 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा ना यार, ये तो पता ही है ऐसी बात। हां सर, बस आंसर आ जाएगा। क्या करें भाई, कैलकुलेशन सही करो यार। अब कैलकुलेशन तो मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, बिठाल के 11th क्लास में कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? हां बोलो बाला। आज आपका फेस रिवील से यू सेड सर। हां बेटा, मैंने कल बताया भी था कुछ बच्चों को, आज हमने चिट चैट सेशन प्लान किया था ऑब्वियसली, पर आज हमने अपना चिट चैट सेशन क्यों नहीं किया है उसके पीछे कारण है। वो कारण ये है बेटा कि आज आपकी दिवाली से पहले है आखिरी क्लास, और इसके बाद है आपकी 5 दिन की, क्या 5 नहीं 4 दिन की छुट्टी ना बेटा? आज क्या दिन है? कॉलेज है ना आज, जेई की क्लास की बात कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है ना? यस सर। इसके बाद तुम्हारी क्लास होगी मंडे को, यानी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई क्लास नहीं है जेई की। यू हैव क्लास टुमारो फॉर कॉलेज राइट? मतलब रेगुलर क्लास नहीं है ना भाई? ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम लोग 5 दिन दिवाली में बिल्कुल एंजॉय करो अच्छे अच्छे की तरह। तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास 4-5 दिन में काम होना चाहिए ना करने के लिए खूब सारा। सर है सर, मैथ्स में आ गया सर। आप तो बेटा मैथ्स में आ गया, तो फिजिक्स में नहीं आएगा तो खराब नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं सर, सारा सर नहीं बेटा, रिविजन नहीं करना है, काम मिलेगा करने को। दिवाली की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि बैठ के दिवाली मनानी है। देखो बेटा एक चीज मान के चलो है ना, इस छुट्टी को छुट्टी की तरह लोगे तो काम नहीं बने, इस छुट्टी को अपॉर्चुनिटी की तरह लो टू फिनिश अप योर बैकलॉग्स इफ एनी, अगर कोई बैकलॉग्स हैं तो, वरना दबा के पढ़ाई करो। इसमें दिवाली तो बचपन से मनाते आ रहे हो, नहीं बोर नहीं होगे दिवाली मनाते मनाते? दिवाली मना के बोर नहीं हो? अब वैसे भी करना है क्या तुम्हें? रात को थोड़ी बहुत देर पटाखे वगैरह चला लेना, और क्या करना है तुमको दिवाली? और क्या होता है दिवाली में बताओ? घर की साफ सफाई,
ये कौन है जो घर की साफ सफाई कर रहा है दिवाली के दिन? किसके कंधे पे इतना बोझ है भाई, किसके कंधे पे इतना बोझ है जो घर की साफ सफाई कर रहा है बेचारा? कौन है भाई? You can sleep on Diwali. Yes, so. हाँ तो कितनी देर सोएगा भाई, एक दिन सो जाना बैठ के, काम मिलेगा करने को, बता रहा हूँ मैं भी। ज़्यादा नहीं दूँगा, ज़्यादा नहीं दूँगा, बस 200 सवाल। अरे सर, सर ज़्यादा नहीं होगा। सर, whenever you say ज़्यादा नहीं दूँगा, you write full module for homework. Yes, sir. Always do that. ब्यूटीफुल थिंग, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। रस्सी की टेंशन ml का स्क्वायर है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल l ओमेगा है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट, नन ऑफ दीस। इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? सर मुझे एक्चुअली पूछना था कि इज इट फार्मूला कि l ओमेगा मतलब हमारा स्पीड आएगा। हां जी, इज इट अ फार्मूला सर, रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड, इज इट अ फार्मूला? बेटा पूरी क्लास में सो रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था। ओह यस आई गॉट दैट। V बराबर R ओमेगा पढ़ा था तुमने किसी जमाने में? Yes, sorry, got it. So can you at least turn on your camera today? अब बेटा सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक चीज है जो आप लोगों ने नोटिस नहीं करी है, और मैं जानता हूँ ये चीज कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इस बात को गलत समझ के बैठे होंगे। इस चीज को समझना, जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 5 एक बार, लैंग्वेज पढ़ो उसकी क्या लिखा हुआ एंड में। So here we can take R as L, right? तो सिंपल सी बात ये हो रही है, वो ये है, ये एल लेंथ की रस्सी है और इसको आप किस में घुमा रहे हो? तो मैंने पहले वैसे अज्यूम किया था सर, तो फिर मैं कंपोनेंट्स निकालने लग गई तो वो गलत आ रहा था। हाँ बेटा गलत तो आएगा ही बेटा, एमजी नहीं लगेगा, एमजी ले लिया होगा। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये काम किया था और ये चीज आपके अंदर डाउट आना चाहिए था। मान लीजिए एक रस्सी है, इमेजिन दिस, एक रस्सी है और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इस रस्सी की मदद से मैं ये चाहता हूं कि ये किस में घूमे? हॉरिजॉन्टल सर्कल में। हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमे, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। यस सर। ऐसी मेरी चाहत है कि ऐसे घूमे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। और ग्रेविटी फ्री नहीं है भाई, कुछ भी नॉर्मल बातें हो रही है, कोई दिक्कत है? यस सर। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल फॉर दिस मास टू रोटेट लाइक दिस? कारण क्या है उसका? रस्सी के अंदर टेंशन लग रही होगी जो सेंट्रिपिटल फोर्स दे देगी, बोलो दे देगी कि नहीं दे देगी? एमजी को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। एमजी को बैलेंस करने के लिए क्या कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है? तो ये बेटा जो रस्सी है mg की वजह से ये बॉब नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। और नीचे आके ये खुद ब खुद हॉरिजॉन्टल सर्कल से कॉनिकल पेंडुलम बन जाएगा, कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे हो जाएगी रस्सी, कुछ चमका नहीं चमका तुमको? यस सर, ऐसे चमका, ये ऐसा हो जाएगा। इसीलिए सवाल बनाने वाले ने इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि स्पेस कैसा है,
ग्रेविटी फ्री, ग्रेविटी फ्री, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल तुम मेंटेन कर सकते हो क्योंकि ये mg है ही नहीं, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। सही है, पहले बताओ ये बात समझ में आती है? अब मैं बताता हूँ, देखो आप में से आधे बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, आधे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम तो जब बचपन में पतंग उड़ाते थे तो हमने तो ये खूब काम किया है कि एक रस्सी में हम एक पत्थर को बांध लेते थे और पत्थर को हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या करते थे, घुमाते थे। यस, खूब घुमाते थे, आराम से घुमाते थे कि नहीं घुमाते थे? हाँ सर। अच्छा, वो इसलिए घुमा पाते थे बेटा क्योंकि इस एम जी को बैलेंस करने के लिए वहां पे क्या होता था, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस होता था। लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करके चलते हैं पूरे एनालिसिस में, इसलिए ये बात बोलना नहीं कि सर हम तो ऐसा कर लेते थे, आप जो कर पाते थे वहाँ एयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन होती है जिसे हमने थ्रू एंड थ्रू फ्रॉम द स्टार्ट क्या किया हुआ है, नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो सर एयर इतना रेजिस्टेंस दे पाता? हाँ बेटा दे देता है, हवा की फोर्स इतनी बड़ी होती है आदमी उड़ा के ले जाती है बेटा, जब सुनामी आती है, समझ में आ रही? नो सर, जब सुनामी आती है मतलब हम तो घुमाते तो मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे हवा नहीं भी चल रही है। तुमको लगता है बेटा, तुमको लगता है, और एक्चुअल में देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अब तुम्हें इतना केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करते, जो तुम्हें लगता है हॉरिजॉन्टल सर्कल वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता, होता भी नहीं है। जैसे अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ लूं, मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे, सिंपल सा, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है तो बताओ रस्सी से ये वाला सर्कल कराना पॉसिबल है, इन्वर्टेड कोनिकल पेंडुलम घुमा सकते हो ऐसे? नो सर। नो सर। घुमा पाओगे? नो सर। नो सर। हॉरिजॉन्टली घुमाना पॉसिबल है? नो सर। यस सर। ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, नीचे की तरफ पॉसिबल है? हाँ सर। इन तीनों में से कौन सा सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, सोच के बताओ। थर्ड वाला। थर्ड वाला। ये क्यों पॉसिबल नहीं है पहला वाला आर्ग्यूमेंट? सेंट्रिपिटल तो दे देगा पर टेंशन का दूसरा कॉम्पोनेंट और एमजी इन दोनों को ही बैलेंस करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं, तो ये तो वैसे ही नीचे फील आ रहा है ना कि खुद से नीचे गिर जाएगा मास। ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड केस पॉसिबल है। तो अब देखो बेटा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें यही था, ग्रेविटी फ्री कर दिया उसने तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो ये जो आपकी टेंशन है यही क्या दे देगा आपको, बोलिए? सूडो फोर्स एम एल ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रेडियस एल के बराबर है तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स दे देगा। ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ए ऑप्शन हो गया। दूसरा स्पीड पूछिए तो ये पढ़ाया गया था वी बराबर आर ओमेगा होता है, यस सर। रेडियस एल के बराबर है तो वी बराबर एल ओमेगा हो गया। तीसरी चीज वो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट, फोर्स का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, नहीं है, है क्या वर्टिकल कंपोनेंट? नहीं है सर, ग्रेविटी नहीं है, और डी ऑप्शन के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है, नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। तो सर इस केस में आइडली हम लोग उसे एक बार फोर्स दे देंगे तो वो चलता ही रहेगा ना, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस रस्सी, हाँ, रस्सी, और रस्सी में जब तक टेंशन रहेगी घूमता रहेगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके सर, थैंक यू। एक्सरसाइज थ्री में कोई डाउट है? कॉम्प्रिहेंशन कौन सा पहला वाला होमवर्क था? डोंट वरी, करते हैं अभी उसको डिस्कस। और कोई डाउट है उसके अलावा या और कुछ दिया ही नहीं था सर? क्वेश्चन 1 इसमें ही। डिड आई गिव यू एनी क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 4? नो सर। नो सर, आपने बोला हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 3 का कॉम्प्रिहेंशन 1 नहीं ला होगा आप सर, नहीं लाना तो हो गया सर। सर आई कुड डू इट, सिर्फ लास्ट वाला। यस सर आई कुड डू इट, ठीक है, डोंट वरी, हो सकता है कुछ से हो गया कुछ से नहीं हो गया, डोंट वरी, वी विल डिस्कस दैट, परेशान नहीं होइए, आज ही आपको डिस्कस करके बता देंगे क्या करना है। इसके अलावा और कोई डाउट है सर? क्वेश्चन 1 इसी में। क्वेश्चन 1 दिया कहां था बेटा मैंने? हां सर दिया ही नहीं था, सर्कल पे ही है ना बेस्ड बेटा। नहीं दिया था मैंने, अभी पावर निकाल लिया ना, उसमें पावर कहां पढ़ा है? वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ लियो तुम? नो सर, अच्छा ठीक है, तो जब पढ़ोगे तब, इसलिए नहीं दिया था बेटा अभी, समझे? हां सर, हां सर। चलो बेटा कॉम्प्रिहेंशन 1 अभी अपन डिस्कस करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आज आप पढ़ लें जरा। अच्छा आपके पास एक किताब होगी,
आई डोंट थिंक आपके पास हार्ड कॉपी में है या नहीं है. हरिश्चंद्र वर्मा है सबके पास? हाँ सर है. यस सर. यस सर है ना सबके पास? यस सर. यस सर. ठीक है. हार्ड कॉपी में कि सॉफ्ट कॉपी में? हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. प्लीज बेटा जहां पे भी धूल खा रही हो रखी हुई उसे आज क्या करना है तुम्हें? निकालना है. क्योंकि आपको एक चीज फील हो गई होगी बेटा कि सर्कुलर मोशन का जो आपका मॉड्यूल है उसमें बहुत सारे सवाल नहीं है. नहीं. एक्सरसाइज वन में सिर्फ 15 सवाल है. 15 में से मेरे ख्याल से 8-10 तो मैंने कराई दिए हैं, है कि नहीं? हाँ सर. एक्सरसाइज टू में 7 सवाल है, उसमें से 5 सवाल मैं करा चुका हूँ. एक्सरसाइज थ्री का एक कॉम्प्रिहेंशन में करा चुका हूँ, एक अभी अपन करेंगे. और एक्सरसाइज थ्री का जो तीसरा कॉम्प्रिहेंशन है वो वर्टिकल सर्कल का है, तो वो भी करना नहीं है. और एक्सरसाइज फोर में भी सिर्फ कितने सवाल है बेटा? सिर्फ 7 सवाल है. समझ आ रही बात? यस सर. तो बेटा हरिश्चंद्र वर्मा निकालना, हरिश्चंद्र वर्मा पे जो धूल लगी है उस धूल को हटाना, साफ करना, अगरबत्ती जला के 2-4 बार अगरबत्ती घुमाना वहां पे. समझ आई बात? सर एक मिनट दो सर, ढूंढनी पड़ेगी. वापस रख दे. वापस नहीं रखनी है, सर्कुलर मोशन सॉल्व करना है उससे पूरा. दिवाली का होमवर्क मेरी तरफ से गिफ्ट है दिवाली का बेटा यार. गिफ्ट नहीं लोगे दिवाली? मंडे को जब होमवर्क के बिना मिले ना तो मैं रिलेटिव के घर ही छोड़ाऊंगा फिर. समझ आई बात? चलो अच्छा सुनो ध्यान से, ये कर्व बनाया मैंने, देख रहा है? इस कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी. यस सर. इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू fx. हर कर्व की इक्वेशन होती है y इक्वल टू fx. एनी प्रॉब्लम? नो सर. और आप ऐसा मान लें, ऐसा मान लें व्हाट इज दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस. This is origin. चलो बेटा आपको क्लास में सिखाया गया है कि इस कर्व का छोटा सा हिस्सा मान लो ये काट लो, ये छोटा सा हिस्सा काट लो, ये वाला, ये तो ये अपने आप में एक सर्कल का हिस्सा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा. होगा सर. और ऐसा सिर्फ इस पॉइंट पे है कि कर्व के हर पॉइंट पे पॉसिबल है? कर्व के हर पॉइंट पे पॉसिबल. हर पॉइंट पे. ये उसका कर्वेचर है, ये उसका सेंटर है, और ये जो दूरी है स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सर्कल विच इज फॉर्मड एट दिस पॉइंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस सर. बोलिए कोई दिक्कत है आपको? नो सर. ये निकालनी आपको आनी चाहिए अगर कर्व की इक्वेशन पता है. जब आप इरोडो अटेम्प्ट करने जाएंगे, इरोडो अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो उसमें काफी सवाल आपको इस कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? यस यस सर. और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होता है मैंने कल भी बताया था आपको, डिफरेंशिएशन वाला, 1+dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर d/2 अपॉन और उसका भी मॉड, क्योंकि आप रेडियस की वैल्यू निकाल रहे हो तो रेडियस नेगेटिव हो सकती है क्या कभी भी? नो सर. कभी अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ भी रहा है तो उसका मॉड लेते हैं. ठीक है बेटा, पहली बात तो ये गंदा सा फॉर्मूला आपको क्या रहना चाहिए? याद. याद. हालांकि इसके एप्लीकेशन के लिए क्या जरूरी है? व्हाट इज मस्ट? इक्वेशन कर्व की इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना यार. नहीं आई बात समझ में? यस सर. अबे कर्व की क्या पता होनी चाहिए? इक्वेशन. मान लो तुम्हें कर्व की इक्वेशन नहीं पता, एक बात बताओ, तुम्हें इतने काबिल तो बना दिया गया, अगर तुम्हें कर्व की इक्वेशन पता है y equal to fx, तो तुम dy/dx निकाल सकते हो. हाँ सर. हाँ सर. तुम डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो d2/dx. हाँ. बस उसकी वैल्यू निकाल के पटक देनी है इस फॉर्मूले में, यू'ल गेट योर आंसर. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir.
So we'll be given values also such that we can take the power 3 by 2, right? हाँ, पावर थ्री बाई टू तुम निकाल पाओगे? पावर थ्री बाई टू निकालने में क्या होता है? पावर थ्री बाई टू अगर किसी भी चीज की निकालनी है तो हाँ, मतलब क्यूबिट देन यू रूट इट क्या? जैसे मान लो मुझसे कोई कहते हैं 9 की सपोज कोई कहते हैं 11 की पावर 3 बाई टू, तो दिस इज नथिंग बट 11 रूट 11 ना यार, नहीं आई बात समझ? यस सर, यस यस सर। अबे किसी भी चीज की पावर 3 बाई टू इज दैट नंबर इनटू रूट ऑफ दैट नंबर, यस सर नो? यस। कैसी बातें कर रहे बालक, बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखो वैसे तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ना तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है। गणित के अध्यापक तुमको हो सकता है कक्षा 12 में पढ़ा दे, वो भी पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो हम डेरिवेशन डिस्कस कर सकते हैं और चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। सर इट्स दैट हार्ड और व्हाट? नॉट हार्ड, इट्स जस्ट मैथमेटिकल। वुड यू वांट टू गो फॉर इट? यस सर। हां चलेगा सर। हां सर। यस चाहिए। सो कैन यू जस्ट आस्क वेयर इट कम्स फ्रॉम? ऐसे थोड़ी होगा कि वेयर इट कम्स फ्रॉम, डिराइव करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। So but this point, हाँ जी, there's no use, right? Will it help us in understanding the whole thing? Sir, जाने दो sir. It will. Yes. Then do it. चल, कोशिश करें अच्छा. Yes sir. अरे एक बार देखने की कोशिश करते हैं कैसे आता होगा. हाँ sir, देखते हैं. हवा लगे तो ठीक है, नहीं तो formula तो याद कर ही सकते हो. Yes. चलो इधर देखो. Let us think कि कैसे आता होगा। मैं दोबारा बनाता हूं इस पूरे को। ये x एक्सिस है और ये क्या है बेटा? y एक्सिस है। y एक्सिस। आज मैं तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बेटा पीएचडी कराऊंगा कि कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली जाएगी किसी भी कर्व की, क्योंकि जेई एडवांस में, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं, दिस इज नॉट फॉर जेई मेंस। तो इसीलिए बेटा कल को फिर ऐसा ना हो कि एडवांस में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आईआईटी जेई वाले अब इतने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जो आपको आपके लेवल की जो किताब है, आपके लेवल की किताब बोले तो एचसी वर्मा हो गई, सेंगेज हो गई, उसमें से किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट था कोरियोलिस फोर्स। जैसे अभी आपने एक सूडो फोर्स पढ़ी है, तो सर्कल में दो सूडो फोर्सेस होती है, एक नहीं होती, दो सूडो फोर्सेस होती हैं। एक सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होती है जो आप पढ़ चुके हैं, एक और सूडो फोर्स होती है सर्कल में, इसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो 2016 तक हम नहीं पढ़ाते थे उसको। क्यों नहीं पढ़ाते थे भैया? क्योंकि वो नहीं आता था पेपर में, किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं था, जेई के सिलेबस में भी नहीं था। 2016 वालों में क्या किया, आईआईटी वालों ने क्या स्मार्टनेस दिखाई, उन्होंने जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें एक बड़ा सा पहले पैसेज दिया और उस पैसेज के अंदर पूरी कोरियोलिस फोर्स को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और फिर तीन सवाल पूछ लिए उस पे। चार चार नंबर टू चीप, सो दे कांट डू दैट। यू विल टेक 5-10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट इट इज। आप कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा कांसेप्ट है जो बच्चे को दो घंटे का लेक्चर करने के बाद भी हवा नहीं लगती, तो पैसेज पढ़ के तो क्या ही समझ में आएगा। 12 नंबर का पैसेज आ गया था, चेक करना आईआईटी 2016 में जब रोटेशन पढ़ाएंगे तो कराएंगे वो सवाल तुमको, बट आईआईटी वालों ने ऐसा खेल किया बच्चों के साथ कि पैसेज पूछ लिया, तो अब आईआईटी ये भी करने लगा है बेटा। सर मतलब इतना पढ़ के भी वो नहीं आया, दे एक्सप्लेन व्हाट्स नॉट इन द सिलेबस बेसिकली। हां बेटा, इसीलिए आईआईटी क्या कहना है, आईआईटी के सिलेबस में कोई गारंटी नहीं है, वो जो चीज इधर उधर की होगी वो पैसेज में पूछ लेगा आपसे, और वो आपको बोल देगा कि हमने तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में लिख के दिया था, उसको भी सवाल पूछो। आर यू अंडरस्टैंड? यूज योर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, एज सिंपल एज दैट। हालांकि वो बेटा वो बेसिकली चीटिंग थी बच्चों के साथ, क्योंकि एक एवरेज बच्चा नहीं समझ सकता कोरियोलिस फोर्स का फंडा पैसेज को पढ़ के, टीचर के पढ़ाने के बाद तो समझ में नहीं आता है। खैर वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आईआईटी काम भी करता है एट टाइम्स। जस्ट टेल मी, देखो कैसे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या करने की कोशिश करते हैं। ये जो कर्व का छोटा सा हिस्सा है ये वाला, ये इस छोटी सी लेंथ को स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? हां सर पढ़ा है। यस सर। इस लेंथ को कुछ नाम दे दीजिए,
डीआर डीएस सीएस कोई दिक्कत है नो सर बेटा ध्यान से सुनना और बताना आपने जब बेसिक मैथ्स पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि ये जो छोटी सी लेंथ होगी ये डीएक्स कहलाएगी यस सर यस सर और ये जो छोटी सी लेंथ होगी ये क्या कहलाएगी डीवाई कहलाएगी डीवाई एग्री कर रहे हो आप मेरी बात से कि नहीं एग्री कर रहे हो आप एग्री कर रहे हां सर अगर मैं लिख दूं डीएस इज इक्वल्स टू रूट ओवर डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर बुरा मान जाओगे नहीं सर नहीं सर पक्की बात है इसमें से बेटा एक काम करो डीएक्स निकाल लो क्या कॉमन डीएक्स क्या निकाल लो कॉमन निकाल लो कॉमन तो तुम्हारे पास बचेगा वन प्लस इंटू डीएक्स बाहर आ जाएगा बोलो इतना चमका कि नहीं चमका चमका सर अरे बोलो बेटा हाँ कि ना हाँ सर चमका साथ साथ नोट करो पहले इसको पेन पेपर लिखो तब तो हवा लगेगी तुम्हें वरना सब ऊपर जाएगा लिखो पहले सर सो व्हेन विल बी आवर चैट सेशन जस्ट आफ्टर दिवाली नेक्स्ट मंथ सर सर इधर कॉमन हम लोग ने रूट के अंदर ही लिया ना बट dx को हां तो बेटा रूट के अंदर से dx स्क्वायर को कॉमन लिया है तो रूट के बाहर आके dx नहीं हो जाएगा हां ओके नहीं आई बात समझ में तुमको आई आई सर आप लिखो इतना पहले फटाफट लिख लिया सर वेट सर 820 न्यूटन्स लिख लिया सो व्हाट 820 न्यूटन उसने पूछा था ना वेट सर आई स्टॉप सो ये फिजिक्स रिलेटेड पीजे था बेटा द डीएक्स इज आउटसाइड द रूट ना हां ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम ही तो है यार डीएस इज इक्वल टू रूट ओवर डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर क्या दिक्कत है इसमें No, so I'm saying the next statement that dx is out of the root. dx, obviously. अरे अंदर से क्या कॉमन निकाला है तुमने? dx square निकाला है. dx square कॉमन निकाला है. तो वो root से बाहर आके dx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बन जाएगा. चलो इधर देखना बच्चों ध्यान से सुनना. Again basic mathematics में एक चीज पढ़ाई गई थी. ध्यान से सुनना. अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं ऐसे करके तो ये टेंजेंट ही तो है कर्व पे. टेंजेंट है कि नहीं है? Yes, sir. और आपको ये पढ़ाया गया है कि अगर ये वाला एंगल थीटा बनता है तो जो टैन थीटा होएगा वो कर्व का स्लोप होगा इस पॉइंट पे हां सर होगा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार जल्दी बोलो पढ़े सर पढ़े पढ़े सर ये जो टैन थीटा है ये कर्व का क्या है स्लोप है स्लोप है इस पॉइंट पे स्लोप है कि नहीं है बचपन में ये भी पढ़ाया गया था स्लोप क्या होता है एग्री कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कर पा रहे सर अब एक बात बताओ बेटा जस्ट यूज योर ब्रेन्स मैं इस फिगर को ऐसे बनाता हूँ इसको ऐसे ज्वाइन किया मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया बोलो कोई दिक्कत है नो सर नाउ यू टेल मी सोच समझ के बताना इस बात को तुम मुझे ये जो छोटा सा एंगल बनेगा क्या ये छोटा सा एंगल डी थीटा बनेगा हाँ सर हाँ सर कर्व का छोटा सा हिस्सा डीएस लिया है तो एंगल छोटा सा बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा सर ऐसे इमेजिन करो कि अगर ये सर्कल है तुम्हारे पास और सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा है और इसको अपन ऐसे सेंटर से जॉइन करें तो ये हिस्सा अगर डीएस है तो ये एंगल भी तो बहुत छोटा है डी थीटा नहीं आई बात समझ में आ गई सर ठीक है बच्चों अब बताओ ये समझ जाओगे तो हम मान जाएंगे तुमको ये आर है कि नहीं है आर जो रेडियस आप निकालने में इंटरेस्टेड है यही आर निकालने तो निकले थे घर से बोलो मैं लिख सकता हूँ ds is equal to rd theta एग्री कर रहे हो सर यस यस सर यस सर यस अबे इस वाले ट्रायंगल को देखो ds बराबर rd theta है बेसिकली बाय लेंथ ऑफ आर्क आल्सो यू कैन गेट इट लेंथ ऑफ द आर्क अरे लेंथ ऑफ आर्क हे भगवान ये पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इधर देखो चलो यहाँ समझाते हैं तुमको ये छोटी सी आर्क है छोटी सी आर्क कितने लेंथ की आर्क है डीएस ये लेंथ कितनी है आर आर ये भी कितना है आर आर डेरिवेशंस बेटा कभी भी भागा मत करो डेरिवेशंस से डेरिवेशंस बहुत जरूरी होते हैं दिमाग खोलते हैं डेरिवेशंस ये क्या है थीटा तो अगर मैं लिखूं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो गया एंगल इनटू रेडियस हो गया कि नहीं हो गया यस सर हां सर पता व्हाट इज आर्क लेंथ
व्हाट इज आर्क लेंथ डीएस 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 रेडियस आर और एंगल कितना जल्दी बताओ थीटा और बेटा ये तो हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके ना कि अगर ये आर्क बहुत छोटी है तो जितनी लेंथ इस आर्क की होगी वही लेंथ ऑलमोस्ट इस स्ट्रेट लाइन की भी होगी इसको लाइन मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो हां सर मान सकते हो तो इसी को तो डीएस बोल देते अपन अब भी नहीं आया समझ में बट ये आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस की दैट्स ये फार्मूला होता है बेटा एंगल को प्लेन एंगल की डेफिनेशन होती है ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस मैथ्स में अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तुमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है सर वो लेंथ ऑफ द आर्क में ऐसा पढ़ा था यही ऐसे में ये इसलिए आर्क को क्या मान लिया कर्व का बहुत छोटा सा हिस्सा जो होता है उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हो कि नहीं चलो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तब तो आगे बढ़े कोई दिक्कत है क्या तो नाउ जस्ट टेल मी आपने क्या लिखा डीएस बराबर हाउ मच आर डी थीटा आप यहाँ पे एग्री कर रहे हैं इस बात से कि टैन थीटा बराबर डीवाई बाय डीएक्स था डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोई दिक्कत नो सर चलिए बेटा चेन रूल पढ़ाया था मैंने टैन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो पहले टैन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है x square theta और चेन रूल के साथ दहेज में और क्या आएगा d theta by dx और d by dx of dy by dx is nothing but d square y by dx square d2y yes sir second derivative इतनी बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई आ पाई सर अब बेटा इस sec square theta की जगह क्या मैं 1 plus tan square theta लिख दूं हां सर into d theta by dx is equal to d square y by dx square dx square बोलो इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही सर चलो बेटा यहां से d theta की वैल्यू बताओ d theta की वैल्यू बताओ आराम से कितनी आएगी यस पे आ d2y dx d2y by dx square into dx into dx by 1 plus tan square theta into dx upon 1 plus tan square theta tan square theta एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हां सर ऊपर वाले का नाम लेके इसके अंदर वैल्यू पटकने जा रहे हैं हम देखते हैं क्या निकल के आता है ds की जगह क्या रखें तो ds की जगह आप ये पूरी वैल्यू रख सकते हो जो निकाली थी आपने हाँ सर रख सकते हाँ तो डीएस की जगह देखो मैंने क्या रखा मैंने डीएस की जगह रखा रूट ओवर वन प्लस डीवाई बाय डीएक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस डीवाई बाय डीएक्स का होल स्क्वायर इनटू डीएक्स मानते हो कि नहीं मानते हैं सर इनटू रेडियस डी थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो जो यहाँ से निकाली हुई है हाँ सर डी स्क्वायर वाई बाय डीएक्स स्क्वायर इनटू dx upon 1 plus tan square theta tan square theta मानते हो इतना कि नहीं मानते हो मानते हैं सर चलो ध्यान से सुनना बेटा इस वाले dx से ये वाला dx छोड़ा दूं यस हां सर बताओ यहां से r कितना आया व्हाट इज r root over 1 plus dy by dx the whole square root over 1 plus dy by dx the whole square multiplied by dx square by dx square upon d d square plus tan square theta yes sir and this whole divided by d square y by dx square yes sir बोलो यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती है हां सर हां सर अब बेटा मैं इसी स्टेप में लिख के दिखा रहा हूं मैं इस क्या नहीं समझा सर वो d theta था ना सर तो सर आपने अपन ने तो ds is equal to derive किया था ना सर हाँ तो ds is equal to rd theta derive किया था बेटा तो ds की जगह ये लिखा और d theta की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी जो यहाँ से निकाल लिया d theta अच्छा सर समझा बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है नो सर ये जो एक्सप्रेशन आपकी आंखों के सामने लिखा है इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर नहीं अपने d by dx of tan theta में चेन रूल से लिया कि थर्ड वेरिएबल की वजह से लिया चेन रूल से लिया ना भाई थर्ड वेरिएबल वाला फंडा यार थर्ड वेरिएबल चेन रूल से तो आता है अरे यार पहले tan थीटा का डेरिवेटिव करोगे sec square थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव भी तो करोगे x के रिस्पेक्ट में यस सर बोलो भाई ये एक्सप्रेशन जो r का लिखा है इसमें कोई दिक्कत है नो सर नो सर दिमाग लगाओ बेटा 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर इसका रूट लिखा हुआ है हां और इसके साथ में जो 1 plus tan square थीटा लिखा है इस tan थीटा को फिर से dy by dx से लिख सकते हैं सर
तो ये tan थीटा की जगह तुमने dy / dx लिख दिया तो यही तो बन गया, बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? हां सर, यस सर। अब पूछो अपने दिल से क्या लग रहा है तुम्हारे दिल को, बोलो भाई। कॉमन ले लेना, क्या लग रहा है? या फिर पावर बेटा, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। 1 + dy / dx का होल स्क्वायर की पावर 1 हो गई है नहीं हो गई? देखो दिख रहा है, हो गई सर। 1 एंड उसका और इधर पावर 1/2 हो गई, तो टोटल पावर कितनी बनी? 3/2 बनी। Yes, तो यहीं से आता है बेटा फॉर्मूला, 1 + dy / dx का होल स्क्वायर की टोटल पावर कितनी बनी? 3/2 / dx² / dx². दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूला का डेरिवेशन। कुछ घुसा भेजे मैं कि ऊपर से चला गया सब कुछ? आ गया सर, घुस गया सर, घुस गया। हालांकि आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपके काम का भी नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। दिस इज हाउ यू डिराइव, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। किसी भी कर्व की किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस बनती है वो इससे निकली जाती है, 1 + dy / dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 / d² / dx². हेलो सर। बोलो। हां बोलो बालक। आई वाज डिस्कनेक्टेड इन द लास्ट टू स्टेप्स, कैन यू टेल हाउ √3 √2 केम? हाउ 3√2 केम? इधर देखो बेटा, यहां तक क्लियर है इस वाले स्टेप तक? यस सर। तो tan थीटा की जगह dy / dx लिख दिया, कोई दिक्कत है? No, sir, what then? अब देखो, 1 + dy / dx का होल स्क्वायर का रूट इनटू 1 + dy / dx का होल स्क्वायर है कि नहीं है? सॉरी सर, कैन यू रिपीट? अभी दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं। खुद से देखो, खुद से नहीं दिख रहा है? Got it, sir. चलो इधर देखो, ये जो पूरा माल मसाला है ये 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 एक ही चीज लिखी है कि नहीं दिख रही है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, यस सर, यस सर। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान ले तू, बोल। तो ये बेटा x into root x ही तो लिखा है? हाँ सर, ओ गॉट इट सर। तो x into root x क्या हो जाता है बेटा? x की पावर 3/2, या 3/2, सॉरी 3/2। तो बस अभी भी नहीं आया समझ में? गॉट इट सर। सर आपने बोला जैसे सर्कल का एक पार्ट स्ट्रेट लाइन हम ले सकते हैं, है ना? तो मतलब सर्कल भी स्ट्रेट लाइन से ही बना है? हाँ, तो बेटा सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस ना। ये जो सर्कल है इसको चाहो तो ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, छोटे छोटे डीएल 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 ऐसे तोड़ सकते हो ना यार, छोटे छोटे डीएस डीएस में। यस सर। हां सर। बोलो भैया, क्या ये फॉर्मूला डेरिवेशन क्लियर हुआ आपको, कैसे डिराइव किया गया? सर सर एक बार लास्ट स्लाइड। हां सर। हां लास्ट स्लाइड देखो बेटा। सर हम लोग जब थर्ड वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तब टैन थीटा को और इसके साथ मतलब रेडी करना चाहिए ना, तो हम लोग dx लिखते हैं। हाँ, तो थर्ड वेरिएबल इधर देखो ना यार, तुम टैन थीटा का डेरिवेटिव थर्ड वे, चलो तुम्हें थर्ड वेरिएबल से समझा देते हैं, तुमको अगर चेन रूल से दिक्कत हो रही थर्ड वेरिएबल से समझा देते हैं। आप डी बाई डी एक्स किसका निकाल रहे हो? टैन थीटा का। तो टैन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते तो क्या होता? और क्योंकि यहाँ एक्स के साथ है तो साथ में डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो हाँ कि ना। आ जाएगा, आ जाएगा। अभी समझ में आया बच्चे? बस सेम फंडा ही तो है। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलो बालकों। नो सर। नो सर। बहुत अच्छी बात है। चलो भैया, ये फॉर्मूला याद हो गया? नहीं हुआ यार। यस सर। एक बार दिखाओ। हो गया यार। हो गया याद? लो एक बार याद कर लो बेटा सारे बच्चे। सर सर पेपर में डायरेक्ट रेडियस निकालने को ही आएगा? बेटा पेपर में सीधे रेडियस निकालने के लिए नहीं आएगा, पेपर में तो गंदा आएगा सवाल। अभी कराता हूँ मैं सवाल, परेशान क्यों रहो? So I have a question. Please. So there's a statement. So it's not related to this, but it's there in circular motion. The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to that path, to the path of the particle. So if you have linear motion, what is the tangent then? Line is a tangent to itself. Ye line hai. आपसे मैं कहूँ इस P पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, तो ये लाइन ही टेंजेंट है? या टेक्निकली ये बात समझ में आती है? ऐसा क्यों हुआ? यस सर, बिकॉज़ पास थ्रू वन पॉइंट, इट हैज टू पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स। बोलो, नहीं आती ना समझ? नो 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 नो, आई डोंट गेट अलोंग द सेम डायरेक्शन। कर्व दिख रहा है? ये कर्व दिख रहा है? यस सर। यस सर। इस कर्व के इस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब देखो, इस कर्व को फ्लैट करते चले जाओ, अगर मैं इस कर्व को ऐसा कर दूं तब भी टेंजेंट यही होगा?
यस सर बोलो हाँ कि ना हाँ सर और फ्लैट कर दूं तब भी टेंजेंट यही होगा हाँ सर यही होगा फ्लैट करते करते एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये कर्व खुद ही ये लाइन बन जाएगी टेंजेंट वाली हाँ सर यस सर सो दैट लाइन इज अ टेंजेंट टू इटसेल्फ ये मैथ्स में पढ़ाया जाएगा तुमको ओके सर मतलब कर्व को ओपन करके लाइन यस एग्जैक्टली चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आपसे पूछा गया सबसे बेसिक और घटिया प्रॉब्लम की बात करते हैं वाई बराबर कितना एक्स प्लस एक्स ये कर्व दिया हुआ है आपसे पूछा फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इक्वल टू वन सिंपल सा प्रॉब्लम है हो जाएगा ये हाँ सर हो जाएगा क्या करेंगे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे मेरे ख्याल से dy by dx शायद 2x plus 1 आता है फिर क्या कैलकुलेट करेंगे a2y by dx वो कितना आता है 2x 2 आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बोलो 1 plus dy by dx whole square 1 plus dy by dx का whole square की होल पावर 3 by 2 upon a2y by dx प्लीज रखते हैं वैल्यूज लेट अस सी क्या आता है 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर मतलब 2x plus 1 का होल स्क्वायर इसकी पावर 3 by 2 शाबाश बालको अपॉन नीचे 2 तो ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया बन गया सर यस सर अब देखो फर्स्ट पार्ट में कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है x 0 एट x 0 तो इसमें x की जगह क्या पटक देंगे आप लोग 0 जीरो पटक दीजिए तो एक्स की जगह जीरो पटकने पे क्या आता है चलो सॉल्व करते हैं पटको जीरो वन प्लस वन एक्स की जगह जीरो रखने पे ये भी वन हो जाएगा ना वन का स्क्वायर वन बाय टू वन प्लस वन की पावर थ्री बाय टू अपॉन टू थ्री बाय टू अपॉन हाँ तो टू की पावर थ्री बाय टू टू की पावर थ्री बाय टू कितना होता है टू रूट टू अपॉन टू ये होता है टू रूट टू अपॉन टू रूट टू आ जाए रूट टू मीटर This is the radius of curvature at x equal to? Zero. Zero. अगर x equal to one निकालना हो तो क्या करोगे बे? X के बदले one पटक दे. One पटक दे. जगह one पटक दो. मैं क्या करूँ इसमें? जिस basically जिस भी point पे radius निकालनी है curve के हर point पे same radius होगी हर point पे अलग अलग radius होगी क्या सीखा था तुमने? अब ये जो curve है इसके हर point पे same circle बनेगा क्या? नहीं sir. अलग अलग रेडियस आएगा तो अगली बार में आपको सेकंड पार्ट में इसमें क्या करना है एट एक्स बराबर वन पे निकालना तो कैसे निकालेंगे एक्स बराबर वन पटक दीजिए क्या आएगा वैल्यू देखते हैं एक्स बराबर वन रख के क्या आता है वन प्लस एक्स को वन रखा तो टू टू वन हो गया थ्री थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन नाइन प्लस टेन की पावर थ्री बाई टू अपॉन टू आएगा सही बात बोल रहा हूँ क्या मैं टेन की पावर थ्री बाई टू अपॉन कितना आएगा अपॉन टू आएगा तो दिस इज टेन रूट टेन अपॉन टू आंसर हैज टू बी पाई रूट टेन बोलो भैया बहुत टफ है या कर लोगे कर लेंगे सर कर लेंगे सर बहुत अच्छी बात है सवास ये सब x की अलग अलग वैल्यू होती है तो वो भी बताते हैं कि कर के अलग अलग पॉइंट पे मतलब वो कर्वेचर का रेडियस एग्जैक्टली ओके सर एग्जैक्टली बोलो बात समझ में आती है लास्ट स्लाइड यस हां सर आ गई हां भैया चलो अब थोड़ा खेला थोड़ा भावनाओं के साथ खेले तुम्हारी हां सर खेलते हां सर खेलते आओ खेलते बैठ के लेट्स प्ले पेपर में ये सवाल नहीं आएगा तुमसे कि घटिया सा कर दे देगा तुम्हें कहेगा इसका क्या निकालो प्रोजेक्टाइल पढ़ा है ना आपने प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है और अगर ये एक पैराबोला है तो इस पैराबोला का हर हिस्सा भी एक सर्कल का हिस्सा होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो ये है क्वेश्चन आपके सामने आई हैव अ प्रोजेक्टाइल ये रही इसको मैंने फेंका है 20√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने एंगल पे 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे
बोलो चल जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। तो इस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होगी आई एम श्योर वो कुछ ऐसी होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात है? So can you give a horizontal projection instead? Equation is easier. Why should I give a horizontal projection, bhai? So differentiation will be easier. हाँ तो easy क्यों करना है? Easy काम क्यों करना है भाई? ये projectile दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिखा। चलो बेटा। Find radius of curvature at initial point. दिस इज अ क्वेश्चन। बिल्कुल शुरुआत में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला प्रोजेक्टाइल, यानी कि मैं जो पूछ रहा हूं आपसे वो ये पूछ रहा हूं कि बिल्कुल शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये जो हिस्सा कर्व का है ये वाला ये है, ये अपने आप में किसी ना किसी सर्कल का हिस्सा है बालकों की नहीं है? बोलो हाँ सर है। मेरे को इसकी रेडियस मांगती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने इस पैराबोला की इक्वेशन तो दी नहीं है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन तो याद होती है ना अपने को, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? हां सर। हां वो तीन इक्वेशन सर। हां बेटा करके निकालो, निकाल के दिखाओ क्या आएगी सर। वो बड़ा वाला फार्मूला यूज करना है छोटा वाला? बड़ा वाला बेटा, बड़ा वाला यूज करना है। तो चलो हम लोग साथ साथ करते ना, काहे परेशान हो, हम तुमको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बोलो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या थी? x tan थीटा - gx² बताएंगे 800, बिल्कुल सही बात है। Into cos 45 कितना होता है? 1/2 उसका स्क्वायर होता है कितना? 1/2 2 से 2 कट गया और ऊपर वाले 10 से 0 से इधर 80 बचे कट के, हाँ या ना? हाँ सर। तो इक्वेशन काफी सिंपल बनती है कि नहीं बनती? इक्वेशन सिंपल बन गई कि नहीं बन गई? क्या आपको ये बात समझ में आती है? अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन ही हो गया, बिल्कुल पिछले जैसा नहीं हो गया क्वेश्चन। हाँ सर अभी सही हो गया। वैल्यू वैल्यू खेलना है बैठ के, पहले क्या निकाल लो जल्दी बताओ। कितना आता है? 1 - x/40 शाबाश। d²/dx² निकाल लो। 1/40 - 1/40 शाबाश। बोलो समझ आई बात? आ गई सर। तो अब वक्त आ चुका है रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में चीजें पटक देने का। फॉर्मूला क्या था? 1 dy/dx² और मैंने आपको इसीलिए बोला था, आप ध्यान से देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट में d²/dx² नेगेटिव आ रहा है ना, देखो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन रेडियस नेगेटिव हो सकती है क्या यार? नहीं सर नहीं हो सकती। नो सर। तो उसका क्या ले लेंगे अपन? मॉड ले लेंगे। चलिए पटक देते हैं। 1 + dy/dx की जगह मैं क्या पटक दूं? 1 - x/40 1 - x/40 का होल स्क्वायर, इस पूरे की होल पावर 3/2 और नीचे तो दहेज में क्या आ गया? 1/40। हाँ भाई अपन से बिल्कुल शुरुआत में पूछी है रेडियस, बिल्कुल शुरुआत का मतलब x = इस पॉइंट को ओरिजिन लेते ना यार, 0 पे। हां 0 पे x का वैल्यू 0 पटक दो इसमें, देखो क्या आता है। 1 + 1² आ गया है भैया, कितना आता है? 80 raised to 3 यस सर 80 रुपए। हां सर 160 आएगा ना? हां जी 80 रुपए आएगा सर। हां नहीं सर 80 रुपए आएगा सर 80 यस सर 80 रुपए 80√2 आ रहा है? हाँ सर। यस सर। देख लो भाई। हाँ सर 80। यस सर 80√2। सर इट्स करेक्ट, इट्स 80√2। हाँ सर सेम आया। यस सर 80√2। 80√2। यस सर यस सर 80√2। 80√2 मीटर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई सर। बहुत अच्छी बात है। अब इसी क्वेश्चन में मान लो मैं ऐसा कर देता
मान लो मुझसे पूछा रहा था फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इक्वल टू सर तो इनिशियल वेलोसिटी क्यों दिया है फर्स्ट पार्ट बेटा इनिशियल ऑफ वेलोसिटी इसलिए दिया था यहां पे u स्क्वायर की वैल्यू नहीं पटकी तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रैक्शन फाइंड करने के लिए दिया था उस लिए दिया था बेटा पागल थोड़ी था उसने दे दिया इनिशियल पॉइंट निकाल लिया इनिशियल पॉइंट फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है निकाल लिया हां सुनो इधर ध्यान से दिस इज योर फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया अब मान लो सेकंड पार्ट में तेरे से पूछ ले रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ एट मैक्सिमम हाइट So then you differentiate, you have 1 minus x by 40 equals to 0 and you know that value of x gives y maximum because second derivative is negative. इसको ऐसे देखते ना यार अपने को मैक्सिमम हाइट पे चाहिए मैक्सिमम हाइट मतलब अब किसकी बात हो रही है h max की बात हो रही है एक सर्कल तो ये वाला पूछा गया था अपने से पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था हां सर पूछा गया था अब जो फर्कल हमसे पूछा जा रहा है वो ये वाला पूछा जा रहा है बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है क्या सर तो वो आपसे कह रहा है कहां पे रेडियस निकाल के दिखाई है एट द मैक्सिमम हाइट पे तो बेटा कॉमन सेंस लगाओ ना कॉमन सेंस लगाओ जब तुम मैक्सिमम हाइट पे रेडियस निकालने जा रहे हो तो रेडियस का फंक्शन तो तुमने बना ही रखा है ना नहीं आई बात समझ में हां सर खाली x की वैल्यू हां सर भाई रेडियस का फंक्शन तुमने ये बना रखा है कि नहीं बना रखा है पहले ये बताओ इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो यस सर फर्स्ट पार्ट पे तेरे को कहां निकालना था फर्स्ट पार्ट में रेडियस कहां निकालना इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे इसलिए तूने x की जगह क्या सेटिस्फाई कराया जीरो कर दिया जीरो तो उससे तेरा रेडियस कितना आ गया जल्दी बोल 80√2 अब सेकंड पार्ट में मुझे कहां पे निकालना है मैक्सिमम हाइट पे निकालना है तो अपने आप सोच के बताना बेटा अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पे निकालना है तो क्या मैं फिर से x बराबर 0 सेटिस्फाई कराऊंगा नहीं मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है जो x कोऑर्डिनेट है वो तो r बाई 2 के बराबर है रेंज बाई 2 के हाँ सर भगवान सब भूल गए प्रोजेक्टाइल वगैरह नहीं सर नहीं बोला r बाई 2 के बराबर ही है x कोऑर्डिनेट क्या सेटिस्फाई कराओगे बेटा r बाई 2 r बाई 2 अब r कहां से आएगा r कहां से आएगा आपको डेटा दे रखा है तो रेंज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बाय द वे वी नीड इट वी कैन यूज x बाय r वाला इक्वेशन एंड r दैट कैंसिल हां उससे भी कर सकते हो वरना अगर जनरल से जा रहे हो तो जनरल से निकालने के लिए आप x का x कोऑर्डिनेट क्या सेटिस्फाई कराएंगे ये बता दीजिए y इक्वल्स टू 0 हां जी सो यू पुट y इक्वल्स टू 0 यू गेट टू वैल्यूज ऑफ x वन विल बी 0 एंड वन विल बी द रेंज हाँ तो रेंज निकाल रेंज निकालने के लिए फटाफट से रेंज निकाल लो ना यार क्या होती है रेंज का फॉर्मूला जल्दी बताओ टू एक्स स्क्वायर इनटू साइन टू थीटा बाई जी बट व्हाई डू वी नीड टू डू दैट वी कैन यूज द इक्वेशन अरे बेटा वो एक ही बात है मैंने एक इक्वेशन लेके चल रहे हैं ना तो मैं उसी का यूज कर रहा हूँ से 80 आएगा यू का स्क्वायर करो कितना आएगा 800 आएगा साइन टू थीटा थीटा 45 है तो साइन टू थीटा का मतलब कितना हो गया चलो करो सेटिस्फाई बताओ क्या आता है आंसर 40 जैसे कि x में इसकी जगह 40 पड़ता है ये टर्म जीरो हो जाती है कि नहीं हो जाती है हो जाती है सर तो ये जाएगा 1 की पावर 3 बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 40 रेडियस की कितनी वैल्यू आई बच्चों जल्दी बताओ 40 मीटर आप कितने लोगों को समझ में आता है अगर मैं इस क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर दूं रेडियस एट फाइनल पॉइंट तो इसमें x की जगह 80 सेटिस्फाई करा देंगे नहीं आ गया सर यस अबे फाइनल पॉइंट मतलब कौन सी रेडियस चाहिए अपने को ये वाली रेडियस चाहिए ये वाली पूरी रेंज चमका कि नहीं चमका हां सर तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट बेटा r by 2 लेंगे कि r के बराबर लेंगे r के बराबर लेंगे हाँ तो देखो बेटा ध्यान से देखो कितना आएगा 80 सेटिस्फाई कराओ सर 80√2 ही आएगा ना 80√2 ही आएगा अच्छा दिखा अब एक बात को समझना जरा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ ये बात सर हमको फील होती है ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है फील करो इस बात को जैसा सर्कल बिल्कुल शुरुआत में बनेगा बिल्कुल वैसा ही सर्कल एंड में बनेगा कि नहीं बनेगा सर बनेगा 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 नहीं आई ना फील इस बात की आ गई आई आ गई यार दोनों की रेडियस क्या होगी बेटा बोलो दिमाग खुला थोड़ा थोड़ा कि नहीं खुला खुल गया सर खुला प्रोजेक्टाइल के साथ
प्रोजेक्टाइल के साथ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन कंबाइन होकर ऐसे आएगा पेपर में, क्या आपसे कहेगा इसकी रेडियस निकाल के दिखाइए कि थ्री पॉइंट पे। आप बोलिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट जल्दी। हम लोग डीवाई बाय मतलब स्लोप जीरो है तो डीवाई बाय डी एक्स को जीरो से इक्वेट कर सकते थे, तो 1 by x by 1 - x by 40 जीरो हो जाता। हाँ वैसे भी कर सकते थे बेटा, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। सर उसकी पहले वाली स्लाइड दिखाना सर, तो ये चीज काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा देते ना सर। ये चीज क्या कर देते? काइनेमेटिक्स में ही पढ़ा देते। रेडियस काइनेमेटिक्स में पढ़ा देते तुम्हें, तब तुम्हें सर्कल का एबीसीडी भी आता था। नहीं सर ये तो इसमें इस बात को अभी सिखाएंगे ना, पहले बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। यस हाँ सर। बोलो हाँ की ना। समझ आ गया सर कुछ? किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं सर इतना ही है ना, कंसेप्ट की और भी है इसमें। आ जाओ बेटा सर, अभी तो आप तो असली डिस्कशन शुरू होने जा रहा है, अभी तो कुछ पढ़ाया कहां सर? वी हैव टू प्रॉब्लम्स ऑफ डाउट सर। आप प्लीज पूछिए सर। टुडे कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा असली सत्ता सर? अरे पढ़ ले कदे। यस सर पढ़ लेंगे सर, बट सर कैमरा चालू करने में यस सर क्या समय जाता है? बोला तुमको एक पूरी क्लास देंगे, पूरी क्लास बैठी गप्पे मारना। यस सर सर अभी करेंगे, अभी करेंगे सर, आज दिखा दो सर हमारा दिवाली का गिफ्ट दे दो। हां सर अभी देंगे बेटा, परेशान क्यों रहो? आई सर कैमरा चालू करके पढ़ा लो बेटा, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास, पढ़ाई पहले कैमरा दो सर, बकवास बाद में। ये प्रोजेक्टाइल दिख रही है? यस सर। पहले काम की बात करो, ये प्रोजेक्टाइल दिख रही है? हाँ सर दिखी। अब एक बच्चे ने एक सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि सर आपने ये चीज काइनेमेटिक्स में क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? बोलो बात समझ में आती है? हाँ सर। चलो ध्यान से सुनना बेटा, अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या लिखा है सुनिएगा ध्यान से, क्या वेलोसिटी दी थी मैंने? 20√2 मीटर पर सेकंड, 20√2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आपको पहले तो ये बता दीजिए ये सारे तीनों पार्ट्स क्लियर हैं? यस क्लियर है। ठीक है जी, अब सुनिए सर हमने किया क्या, हमने पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक गंदा सा फॉर्मूला निकाला, फिर हमसे जब इस क्वेश्चन में पूछा गया तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखी, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, आंसर्स फाइंड आउट करी। हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस कितनी आई? 40 मीटर। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। एक लाइन में निकाल सकते थे कितने में? एक लाइन में। एक लाइन से सर समझो कैसे, और पेपर में यही तरीका लगाओगे जो मैं सिखा रहा हूँ। कॉमन सेंस लगाते हैं, हमसे पूछा गया, मैं सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट सॉल्व करना आपको समझना इजी है। आई एम फाइंडिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ये जो मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है तो मैक्सिमम हाइट पे जो सर्कल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर। पक्की बात है? पक्की बात है। आप एक बात बताओ, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगी यहाँ पे ये तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ ही होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। कितनी वेलोसिटी होगी क्या बता सकते हैं? वी होगा 20 मीटर पर सेकंड। आपको ये पता है ना मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचता है? हाँ सर। ये पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? हाँ सर। तो ये हो जाएगा 20 * cos 45 20 इज हाउ मच? व्हिच इज हाउ मच? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। आ गई सर। और यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं? रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग? जी डाउनवर्ड। हर जगह एक्सेलरेशन जी लगता है कि नहीं लगता है? हां सर। आप देखो क्यों सर काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये चीज तुम्हें सर्कल से ही समझ में आती है।
क्या हमको ये चीज पढ़ाई गई है कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होता है? हाँ सर। अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। यस सर। सुनो ध्यान से, इस प्रोजेक्टाइल पे जो जी लग रहा होगा वो ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ। जल्दी बोल हाँ कि ना। हाँ सर। yes, अपने दिल से पूछ, क्या ये जी यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? Yes, sir. Yes, sir. और क्या ये जी सेंटर की तरफ है? हाँ है। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यही जी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। Yes, sir. बचपन में पढ़ाया गया था सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है। हाँ सर होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आर बराबर वी स्क्वायर बाय जी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। वी का स्क्वायर करो, बीस का स्क्वायर कितना होता है? 400/10। जी होता है 10। आंसर आ गया 40 मीटर, खत्म हो गया। आ गया सर, छोटे में हो गया सर। नहीं लगी हवा? हवा लगी पर लगी सर, अपने क्या कराया पहले। अबे कुछ हवा लगी कि ऊपर से क्या तुम्हारे? लगी लगी सर, लगी सर। आपने यू कॉस थीटा कहां से लाया? ए भगवान, मैं प्रोजेक्टाइल इतनी पढ़ा नहीं सर। फार्मूला फॉर रिएक्शन कंपोनेंट और एनी पॉइंट रिएक्ट, ये यू दिया है, थीटा दिया है, किसने दिया है? हां सर। हां सर, भूल गया था। बहुत अच्छी बात है। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। आप समझिए इस बात को, अंडरस्टैंड दिस थिंग। जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर। चिंग 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 चिंग। व्हाट इज दिस वेलोसिटी? 20 root 2 meter per second. ठीक है जी। हाँ जी। अब सॉल्व करते हैं, कौन सा पार्ट? फर्स्ट और थर्ड का आंसर सेम ही आने वाला है, ये बात तो पता है ना? हाँ सर, सिमेट्रिक होता है, सेम आएगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये तुम्हारा कर्व है, कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं अभी सर्कल बना नहीं रहा हूँ, गंदा हो जाएगा। हाँ भाई एक बार बताओ, ये तुम्हारा 45 डिग्री पे वेलोसिटी है और वेलोसिटी कितनी है इनिशियल पॉइंट पे? 20 root 2 meter per second. और हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनिशियल। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे जो जी लग रहा है वो भी ऐसे ही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ सर। हाँ सर। आप बताओ क्या ये जी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। क्या ये जी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? नो सर। मेरी फिगर में वेलोसिटी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर लग रही, हो सकता है इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। ऐसे बनाओ पैराबोला, अब बताओ जी का कौन सा कंपोनेंट ले लोगे तुम? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट। जी का वो कंपोनेंट लोगे जो वेलोसिटी के क्या होगा? तो इधर देखो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये लाइन बनती है कि नहीं बनती है? हाँ सर बनती है ये लाइन। How many of you can understand directly that this angle is going to be 45 degree? Yes, sir. Yes, yes sir. Samjh gaya. So, idhar G ka kya component aaya? What is the component? G equals 45. G equals 45. Itte baat chamki ki nahi chamki? Yes, sir. Ab apne dil se poochho, kitne logo ko dikh raha hai ki ye jo G cos 45 hai na sir, ye is velocity ke perpendicular hai sir? Yes, sir. Yes, sir. To sir, yahi na centripetal acceleration hai sir. Hai ki nahi hai sir? Yes, sir. यानी कि सर इस पॉइंट पे जिस सर्कल की आप हमसे बात कर रहे थे ना सर, वो सर्कल अब आप बना के दिखा दीजिए तो हमको और फील आ जाएगा। ये बन रहा होगा सर्कल? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ सर। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जी कॉस 45 है यही एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो सिंपल, जी कॉस 45 को किसके बराबर कर दो बेटा? वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दो। तो यहाँ से जो आर आ रहा है वो कितना आ रहा है, जल्दी बोलो? वी स्क्वायर बाय जी कॉस 45 डिग्री। V square by G cos 45. V का square बताइए, 20 root 2 का square कितना होता है बेटा? 800. G कितना होता है? 10. और cos 45 1/√2 ऊपर पहुंचेगा? हाँ सर पहुंचेगा। लो बेटा 80 root 2 का ना सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, ना डबल डेरिवेटिव निकालना है, ना इक्वेशन की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो गई। ये प्रोजेक्टाइल बेस्ड समझ रहे हैं ना? करेक्ट बेटा, हर जगह एप्लीकेबल है, दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है सर। अभी भी नहीं आया समझ में? हां सर। यानी कि आपको इक्वेशन इक्वेशन के चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आपसे जिस पॉइंट पे रेडियस पूछेगा, पहला आपको उस पॉइंट पे क्या पता होनी चाहिए? वेलोसिटी।
फिर आप देखेंगे कि वहां पे वो कौन सा एक्सेलरेशन है. आपको सारे एक्सेलरेशन से मतलब है कि उस एक्सेलरेशन से मतलब है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर उससे मतलब है. और बस जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखे उसी को उठा के किसके बराबर कर देना, v² / r के बराबर कर दो. इंटीग्रेटेड एक्सेलरेशन v² / r. तो मैं कांसेप्ट लिख दे रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, आपका समय बचाएगी जेई एडवांस में. एट एनी पॉइंट acceleration acting perpendicular to the velocity can be equated to centripetal acceleration at that point of the curve. So when will we need this formula then? You will need this formula जब आपको velocity ना, अब जैसे मान लो यहाँ तो मैंने तुम्हें velocity दे दी थी कि नहीं दी थी? हाँ सर दे दी थी. Luckily highest point की velocity भी तुम्हें पता होती है, नहीं पता होती है? हाँ सर पता होती है. अब मान लो velocity पता ही नहीं है तो trick काम कर जाएगी तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो पूरा equation वो सब करना पड़ेगा सर. बट ये trick थोड़ी है, तो concept है ना, तो हम use कर सकते हैं. हाँ exactly, बट ये बताओ ये kinematics में पढ़ाया जा सकता है तुमको? पहले बताओ इतनी बात समझ में आती कि नहीं आती? पक्की बात है? एक क्वेश्चन करके देखो, लास्ट राइट बताओ. और ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें आसान सवाल देने वाला हूँ. बिल्कुल Can you show the statement again, please? This is the statement. At any point, acceleration acting perpendicular to the velocity can be equated to centripetal acceleration at that point of the curve. Thank you. So what about the two problems that were left? Doubts ka? Comprehension 3. I mean, comprehension 1. Achha, we'll discuss it. Abhi toh aadha ghanta bacha hai, bita. Kaya parchan ho? Sir, aur V minimum ka bhi aap batane wale the. वो तो बेटा मैं अभी डिस्कशन कराऊंगा. बता दिया था ना, बता भी दिया था, हिंट भी दे दिया था, फॉर्मूला उसके बाद भी डिराइव नहीं कर पाए. मतलब फ्रिक्शन दोनों साइड मैक्सिमम लगेगा. किसी ने डिराइव किया हो बेटा तो प्लीज ग्रुप पे फोटो भेज देना उसकी. नहीं क्या होगा तो मैं करा दूंगा, और क्या बताऊं, मैं करा दूंगा बेटा, दुखी मत हो, ऐसे परेशान नहीं होते. अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो, जीवन में बहुत कुछ करना है. अभी से दुखी हो रहा हो कैसे काम चले? Yes, sir. ये तो पता है ना तुम्हें, जिंदगी की जो एज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दुख. दुख जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी जीवन में दुख भी क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे. क्योंकि बेटा मेरी एज तुमसे ज्यादा है इसलिए बता रहा हूँ. अरे बेटा बहुत दुख होते हैं जीवन में. अभी तुमको कोई दुख नहीं है, अभी तुम पहले इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी तुम्हारे लाइफ में एक ही दुख है कि मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, फिर कॉलेज के बाद मेरे को अच्छे ग्रेड चाहिए, ग्रेड्स के बाद अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद अच्छे पैसे चाहिए, पैसे के बाद फिर मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद हो सकता है एमबीए करना है, फिर एमबीए के बाद शादी करनी है. बहुत दिक्कत होती है बेटा लाइफ में, शादी बहुत दूर की बात है सर. इतना सर बट आई प्लान नहीं किया तो सर लाइफ विल बी इजी हो, वी डोंट नीड टू वरी देन, सो वी जस्ट वर्क दिस 2 इयर्स गेट अ गुड आईआईटी आफ्टर द फ्यूचर. अच्छा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ जरा कितना आएगा. कितना आ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट? चार सेकंड. बोलो बात समझ में आती है? यस सर. तो अगर 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले पॉइंट पे 2 सेकंड पे होगा. हां सर. तो ठीक है सर. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर at t बराबर 1 सेकंड. निकाल के दिखाई. अब पहले आपको पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि t बराबर 1 सेकंड पे होगा कहाँ,
फिर वहां की अगर तुम ट्रिक से भी जाते हो तो पहले तुम्हें समझ में आता है तुम्हें पहले टी बराबर 1 सेकंड की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। हाँ सर निकालनी पड़ेगी। अरे नहीं आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। निकालो बैठ के करो। आर बाय फोर सर सर आर बाय फोर देन आर बाय फोर मैं इतना मारूंगा ना पकड़ के नो लाइक आई मीन लाइक कांस्टेंट नो द डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड इज इन कांस्टेंट t बराबर 1 की वेलोसिटी कितनी होगी सर निकाल लो तो किससे जाना प्रेफर कर रहे हैं आप ट्रिक से कि इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से इक्वेशन सर इक्वेशन से ज्यादा सुखी रहोगे नहीं यस सर बिकॉज़ देन डायरेक्ट इज पुटिंग इन फॉर्म आया क्या आंसर? हाँ सर आ रहा है एक मिनट सर हाउ ओल्ड आर यू 25 रूट 5 इज समबडी टेलिंग मी द आंसर डज यू सेकंड दैट डू यू सेकंड दैट सो वेट सो आप पहले तो ये बताइए इक्वेशन से प्रोसीड कर रहे हैं कि ट्रिक से प्रोसीड कर रहे हैं इक्वेशन 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 से प्रोसीड कर रहे हैं चलिए इक्वेशन से देखते हैं क्या आता है वाई बराबर एक्स टैन थीटा माइनस जी जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले तो बताओ ये सिंप्लीफाई करके इक्वेशन आई क्या अरे सेम ही आ गई ना तो पिछला वाला डेटा है yes, sir, same तो y बराबर कितना आया जल्दी बताना माइनस x स्क्वायर बाय x माइनस x स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर बाय बोलो यार बाय 80 x माइनस x स्क्वायर बाय 80 इज दैट करेक्ट और नॉट यस यस सर यस सर ओके क्विकली टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx 1 माइनस x by 40 and d2 by dx minus 1 by 40 ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे एक्चुअली यस सर हां सर यस निकाल चुके थे चलो फिर अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले में पटक देनी चीज है हां सर क्या फार्मूला पढ़ा है आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का at 1 by dx the whole square अब मैं इस फार्मूला नहीं लिख रहा मैं सीधे वैल्यूज रख दे रहा हूं बोलो कोई दिक्कत है नहीं सर नहीं ये dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3 by 2 अपॉन माइनस वन बाई फोर्टी की प्लस वन बाई फोर्टी प्लस वन बाई फोर्टी प्लस मॉड होगा ना यार उसका प्लस मॉड लेंगे रेडियस तो पॉजिटिव ही रखते हैं ना यार बोलो कहाँ की ना हाँ हाँ भाई तो अब कुल मिलाके तुम्हारे पास फॉर्मूला बन चुका है और तुमसे पूछा है टी बराबर वन पे क्या निकालो एक्स का वैल्यू तो तुम्हें सिर्फ टी बराबर वन पे एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए नहीं आई बात समझ यस सर
अगर तू t बराबर 1 का x कोऑर्डिनेट निकाल लेगा तो वो x कोऑर्डिनेट उठा के इसमें रख देगा तो तेरे को रेडियस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, सोच के बता। यस हां समझ जाइए। तो t बराबर 1 का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताओ, सोच के। 20 व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट सर, स्क्वायर इनटू टाइम होगा क्योंकि विल बी 20 राइट बेटा, एक कॉमन सेंस लगाते हैं ना, x कोऑर्डिनेट अपने को x कोऑर्डिनेट से मतलब है, y कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो x x x तो ये रहा t बराबर 1, इस t बराबर 1 पे इसके कुछ कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा y, मानते हो कि नहीं? मानते हां सर। ये y कोऑर्डिनेट है, y में तो एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल में, सबको याद है कि नहीं? हां सर याद है, याद है। x में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या? नो सर। नहीं सर। तो ये x जो कोऑर्डिनेट होगा वो सिंपली x की स्पीड इनटू टाइम नहीं हो जाएगा? यस हां सर। तो x की स्पीड कितनी है यहां? 20 सर। बोलो 20 मीटर, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्पीड इनटू टाइम कितना? 1 I hope ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है बेटा? हाँ सर। हाँ, अगर ये 20√2 इसकी स्पीड है तो इसकी x की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और y की स्पीड भी कितनी है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर। चलो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है बेटा? नहीं सर। तो एक सेकंड में कितनी दूरी चली होगी इसने x डायरेक्शन के अलोंग बताओ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गई 20, टाइम हो गया 1, तो x कोऑर्डिनेट 20 मीटर आ गया बेटा कि नहीं आ गया? आ गया, आ गया सर। बस उठा के उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। क्या करूं उसमें मैं? At t बराबर 1, x is equal to how much? 20। तो फॉर्मूले में रखो, बोलो क्या आता है? 1 प्लस वन प्लस वन माइनस 20/40 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/40। प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस। ये 1/2 हो गया। वन माइनस 1/2 कितना होता है पहले से बताओ? 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। 1/4 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 5/4। ये आ रहा है कुछ ऐसा 5/4 की पावर 3/2 और ये 40 ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी होगा कि नहीं होगा? होगा होगा सर, होगा सर। बस अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर है, हमें नहीं पता। समझ आई बात कि नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई सर, समझ में। हां क्रिश बोलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? So I was saying when if we use the other one, which is that centripetal thing you said, in that case we have to find velocity in x and y coordinate. हाँ, you will have to find the net velocity. Yes. Net velocity. And square ना. हाँ, तो x निकालने की जरूरत क्या? x की तो constant ही रहती है, सिर्फ y तो निकालनी पड़ेगी. हाँ. Yes. वो भी उससे भी फटाफट हो जाएगा. नहीं आई बात समझ में? अब आप चाहो तो क्या करना? As the homework, what you should do, you should try this question to solve it from the trick method. नहीं आई बात समझ में? I did that way. Yeah. And just see if your answer matches or not. Match तो करेगा ही obviously, अगर ढंग से करोगे तो. हाँ सर, किया है. ठीक है ना, तो एक बार उससे भी ट्राई कर लेना। बोलो इतनी बात समझ में आती है? यस सर। हाँ बेटा, ये रही प्रीवियस स्लाइड। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बाय इवनिंग आई विल सेंड यू क्वेश्चंस ऑन द ग्रुप फ्रॉम एचसी वर्मा, जो आपको कैसे एट द होमवर्क सॉल्व करने हैं इन कमिंग 3-4 डेज। ये बात समझ में आ रही है आपको? सब नहीं करने है ना? सारे नहीं कर रहे बेटा, जितने करने होंगे उतने सवाल मैं आपको दूंगा, और परेशान मत होइए, बहुत ज्यादा होमवर्क मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि ओवरऑल पीरियड ऑफ 5 डेज एटलीस्ट आप 40-50 साल सवाल सॉल्व करेंगे। नॉट मोर देन 50 एट एनी कॉस्ट, 50 से ऊपर नहीं। ओवर नहीं, पर डे नहीं, फॉर 5 डेज। अच्छा मतलब एक दिन में 10 ही क्वेश्चन पर डे? 10 क्वेश्चन एक दिन में, 10 सवाल इतना करोगे? अच्छा, इतना तो हो जाएगा ना सर, आराम से सेक्शन को भी करना है बाद में। आई विल नॉट स्पॉइल योर दिवाली, डोंट वरी, मुझे पता है उसमें 3 तारीख 5 तारीख को इंडिया का मैच भी है, नामीबिया स्कॉटलैंड से, बहुत काम है तुम्हारे पास। सर नाम के लिए तो मैच है सर, कुछ नहीं हो गया सर, डिस्क्वालीफाई हो गया सर, रखना पड़ेगा सर। एक एक दिन में 10 सवाल का तो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए ना भाई? नहीं 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 होना चाहिए। तो 50 सवाल दूंगा मैं। बोलो बात समझ में आती है सर? आपके हिसाब से हमको दिवाली में एक दिन कितना पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बेटा दिवाली में एक दिन कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ओके सर, जिस दिन दिवाली है, जिस दिन दिवाली है उस दिन 9.5 घंटे पढ़ लेना, एक दिन क्या बात है। हां सर ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, वो कॉम्प्रिहेंशन 1 खोलो, लेट्स डिस्कस दैट।
सर इसमें प्रोजेक्टाइल में ऐसा कुछ होता है कि कोई पॉइंट पर सबसे ज्यादा रेडियस होती है? हाँ बेटा खुद से सोच सोच के बताओ, इस प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ होगी? H max, H max, H max. No sir, सबसे लोअर साइड पे. H max पे सबसे कम रेडियस होगी बेटा. यस सर, इनिशियल पॉइंट पे ज्यादा. अभी जो तुम अभी जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो शुरुआत में 80√2 और फाइनली 80√2 आई थी और H max पे सबसे कम 40 आ रही थी कि नहीं आ रही थी? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. अबे कर्वेचर से फील नहीं कर सकते, कर्वेचर से फील नहीं कर सकते. ऊपर सबसे फ्लैट कर्वेचर है कि नहीं है, मतलब सबसे ज्यादा कर्वेचर है कि नहीं है? देखो हाँ सर. ओके हाँ सर, समझा सर. तो सबसे कम रेडियस कहाँ बनेगी? वेयर विल बी द मिनिमम रेडियस? मिनिमम रेडियस इनिशियल पे बनेगी? नहीं सर, मिनिमम रेडियस है ना एच मैक्स पे बनेगी. एच मैक्स पे बनेगी. और मैक्सिमम रेडियस कहाँ बनेगी? इनिशियल और फाइनल पे. इनिशियल और फाइनल पे. ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं? आ पा रही है. यस सर, आ पा रही है. सो आई हैव अ क्वेश्चन. एनीथिंग ऑपोजिट ईच अदर इन द सर्कल विल हैव द सेम? नो. Symmetrical, yes. If the curve is symmetrical, yes, yes, yes. मतलब common sense की बात है यार ये तो. मतलब इसमें कोई if and but वाली बात ही नहीं है कि मान लो सर्कल ऐसा है या ऐसा है. मतलब तुम मुझे बताओ ना, तुम इस बात से agree करते हो कि नहीं? ये ground to ground projectile ऐसी होती है? हाँ सर. तो इसमें एक ही particular height दो times पे आती है, ये पढ़ा था ना अपन ने? Yes. तो बेटा बताना मुझे सोच के, जो सर्कल यहाँ बन रहा होगा कि वही सर्कल यहाँ नहीं बन रहा होगा? होंगे कि नहीं होंगे भाई? होगे सर. कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? वेयर विल यू गेट द मिनिमम रेडियस? एट एच मैक्स. मैक्सिमम रेडियस एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. रीड कॉम्प्रिहेंशन वन क्विकली. पेज नंबर 22 एक्सरसाइज 3 कॉम्प्रिहेंशन वन. लेट्स से क्या करना इजी था. कॉम्प्रिहेंशन वन का कह रहा है, आप पढ़िए मैं तब तक फिगर बनाता हूं. अरे क्या हुआ? ग्राउंड स्मूथ है क्या? हाँ सर स्मूथ है. M1, M2, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 एंड 0.5. ठीक है भैया, 0.5 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ऊपर. 0.5 काफी बड़ा, अब तक इतनी फील आती है ना, 0.5 इज टू मच ऑफ अ फ्रिक्शन यार. हां यस. हां सर, 0.5 इज टू मच. यस सर नो? Yes, sir. Okay. Yes, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है अबाउट वर्टिकल एक्सिस जैसा दिख रहा है आपको, यानी कि इसके अबाउट ऐसे करके ओमेगा से घूम रहा है. कोई दिक्कत वाली बात है? नो सर. ये पूरी टेबल ऐसा करके घूम रही होगी अबाउट वर्टिकल एक्सिस शोन विद एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 इनिशियल 0 0 से बढ़ा रहा है. आर का वैल्यू कितना दे रखा है? व्हाट इज द रेडियस इन व्हिच दे आर रोटेटिंग बाय? 0.5 मीटर. m1 कितना है? 2 kg और m2 1 kg है. ऊपर वाला भारी है और नीचे वाला हल्का है, ऐसा ही कुछ है? हाँ सर ऐसा ही है. चलो भैया, कितने लोगों को ये बात फील आती है ओमेगा बढ़ाते 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 एक पॉइंट ऐसा है अगर स्लिपिंग हो जाएगी? यस सर. यस 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 सर. इसको किस फ्रेम से करना इजी है, ग्राउंड से कि मक्खी फ्रेम से? मक्खी फ्रेम. तो ओमेगा बढ़ाते चले जाओगे, ओमेगा बढ़ाते चले जाओगे तो स्लिपिंग बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बढ़ती चली जाएगी? सूडो फोर्स बढ़ती चली जाएगी कि नहीं बढ़ती चली जाएगी? बढ़ती. और एक पॉइंट पर सूडो फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर जाएगी बेटा? क्रॉस कर देगी. तो वहां पे स्लिपिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्लिपिंग? यस. चलो तो इधर आओ बेटा, जस्ट लुक हियर. सूडो फ्रेम में घुस जाते हैं. किस फ्रेम में? मक्खी फ्रेम में. सूडो फ्रेम में 2 केजी वाले का एफबीडी बताइए. टेंशन ऑन द लेफ्ट. 2 केजी वाले पे सूडो फोर्स किधर लगेगी? राइट पे. दोनों पे ही राइट की तरफ लगेगी ना सूडो फोर्स? तो यार हां सर राइट में लगेगी. कितनी? मार ओमेगा स्क्वायर 2r ओमेगा स्क्वायर. नहीं मानते हो? हां सर. यस सर. और 1 पे सूडो किधर लगेगी, सोच के बताना. राइट में लगेगी. राइट पे लगेगी r ओमेगा स्क्वायर. अब ये देखो, इसमें मासेस डिसाइड करेंगे कि स्लिपिंग होगी किधर. ध्यान से सुनना,
जब स्लिपिंग होगी तो 2 kg वाला राइट में जाएगा और 1 kg वाला लेफ्ट में आएगा. ये बात समझ में आती है? क्योंकि 2 पे लगने वाला सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन ऑन द ये मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था और ये सवाल कराया था कि 2 kg वाला अगर राइट में जा रहा है सपोज विद एन एक्सेलरेशन ए लेफ्ट 1 kg वाले को लेफ्ट में आना पड़ेगा विद द सेम एक्सेलरेशन क्योंकि ये बांध रखा है आपने. नहीं ये बात समझ में? हां सो देन इफ यू सी इट फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन यू आर omega square is the centripetal force which is acting inwards. So then won't 2 slip to the left? Why? So because centripetal force acts towards the center and centripetal force on 2 is greater than 1. But a centripetal force is not a new force. Friction is actually giving the centripetal force. So isn't the tension giving the centripetal force? And what about friction? Then, but our question in ground frame, we don't need to consider that, right? We can just consider tension and friction. And you get 2 kg pe friction kidhar lagegi? So it will be on the... It depends which direction it tends to slip in. On the left, right? Beta, slip kidhar karega? Tum soch ke batao na. Pseudo force kidhar lagega ye batao. It's slipping on the right, so friction on the left. Friction on the left. Bolo lagega ki nahi lagega? Haan, sir, pseudo bahar lagega. Friction on the left. तो 2 kg वाले की किधर स्लिप होने की टेंडेंसी होगी? बाहर की. बाहर स्लिप होने की टेंडेंसी बाहर की तरफ. तो 2 kg पे फ्रिक्शन किधर आएगा? अंदर लगेगा. अंदर. और उतना ही फ्रिक्शन 1 kg पे किधर आएगा? बाहर लगेगा. बाहर. अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से और इस चीज को समझने की कोशिश करना. 2 kg वाले पे सूडो फोर्स बाहर लगाई मैंने, कोई दिक्कत है? अलग नहीं सर. नहीं. अच्छा, अंदर की तरफ क्या और क्या लग रहा होगा? टेंशन. टेंशन. वो टेंशन इस पे भी लग रहा होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस. और जब मैं बात कर रहा हूँ किस कंडीशन की? किस कंडीशन की? जस्ट स्लिप की. जस्ट स्लिप. तो आप में से कितने लोगों को समझ में आता है इस वाले पे जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो अंदर लग रही होगी और लिमिटिंग लग रही होगी? यस सर. क्योंकि जस्ट स्लिप की बात कर रहे हैं. चमका नहीं चमका? समझ गया सर. हां सर, चमका. और उतना ही फ्रिक्शन इन 1 kg वाले पे इधर कितना लगेगा? जल्दी बोलो. बाहर लगेगा. FS max. तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर फेस ऑफ M2 when relative motion between the 2 blocks just starts. यानी कि just slipping पे M2 के ऊपर वाले सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे किधर लगेगी फ्रिक्शन? राइट में लगेगी. टूवर्ड्स राइट लगते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है आप सबको? दिखी सर, दिखी. Yes, sir. ऊपर ऊपर वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी जस्ट स्लिपिंग पे? जस्ट स्लिपिंग पे क्या बनेगी? 2R omega square is equal to T plus FS max. FS max. क्योंकि अभी स्लिप तो किया नहीं, जस्ट स्लिप की कंडीशन है ना, मानते हो कि नहीं मानते? हां सर. हां. यस सर. और नीचे वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या बनेगी? आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एफएस मैक्स इज इक्वल टू टी. ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर. तो बेटा एक काम करो, टी की वैल्यू किधर डाल दो? फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो. क्या मिलेगा? आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 एफएस मैक्स. 2R omega square is equal to T की जगह आपने लिख दिया R omega square plus FS max plus FS max और लिखा हुआ था. यस और नो? हां. तो यहां से अपने को मिलेगा R omega square is equal to 2 FS max. Now please see here. What is FS max? How much is FS max? Mu into N. Mu कितना दिया है? Mu 0.5. अच्छा, नॉर्मल दोनों का वेट होगा कि सिर्फ 2 kg का वेट होगा? 2 kg वेट होगा. 2 kg का 20 newton. G10 ले लूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना भाई? नहीं सर. R omega square कितना आ गया बे? 20. तो omega square कितना आ गया? Omega square 40. Omega square 40 आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. तो यहाँ से ओमेगा कितना आया? What is the omega you are getting? 46.32. ओमेगा आ गया under root of 6.40. What is under root of 40? 6.32. 6.3 radian per second. अब मेरे को एक बार बताओ बेटा, कितने ये बल्ब तो जलना चाहिए ना? ये मैंने वो ओमेगा कैलकुलेट किया है जिसपे स्लिपिंग हो गई है कि जस्ट स्लिपिंग हो रही है? Just slipping हो रही है. तो क्या आपसे थर्ड क्वेश्चन में यही नहीं पूछा है? थर्ड क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी आपसे पूछा है फाइंड एप्रोक्सीमेटली द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू स्टार्ट रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स. यानी कि वो ओमेगा बता दो जहां पे रिलेटिव मोशन क्या हो जाए? मतलब जस्ट स्लिप कर जाए. क्योंकि ये बात समझ में आती है, जैसे ही स्लिपिंग हुई रिलेटिव मोशन हो ही जाएगा, क्योंकि एक को राइट में जाना है, दूसरे को किधर जाना है? लेफ्ट में जाना है.
क्या इनके साथ में चलने की कोई प्रोबेबिलिटी है? ऐसा हो सकता है दोनों ब्लॉक एक साथ चल जाए? ऐसा क्वेश्चन किया था ना अपन ने, फ्रिक्शन याद है आपको? आप बता, थर्ड पार्ट निकालू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ. So now we have both the values, you just find it. You have to find the value of tension when slipping just starts. मतलब just slipping पे tension चाहिए, तो इसमें से किसी भी equation में value रख के T नहीं आ जाएगा? आ जाएगा sir. आ जाएगा. अबे यहाँ पे इसमें अगर मैं value रखूँ तो T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? R omega square पता है. 30 newton. रखो T. R omega square कितना है? 20. R है 0.5, omega का square है 40, plus fs max कितना निकाला था आपने? 10. फ्रिक्शन इज opposing that centripetal force. नहीं बेटा, friction centripetal force circle में provide करता है. जब हमने गाड़ी घुमाई थी circle में, तो friction centripetal force provide करता है. Friction oppose क्यों करेगा centripetal force को? Circle में जब body घूमती है तो क्या उसकी center की तरफ slip करने, ऐसे सोचो, जब body circle में घूमती है तो क्या उसकी center की तरफ slip करने की tendency होती है? नहीं, से बाहर की तरफ. Sir, no, sir, but why? So because if there's a force acting inwards, then what I thought was the tendency to slip is inwards of friction. तो अब तुम्हारी गलती पकड़ा दे तुमको. Yes, sir. तुमने slipping की tendency tension से चेक करने की कोशिश करी. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. जबकि slipping की tendency चेक किससे करनी है? I don't know. Sudo से. Sudo से चेक करी ना मैंने slipping की. जिसपे sudo ज्यादा है उससे slipping देखी ना? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा इसका जवाब तुम्हें यहाँ मिलेगा. मक्की फ्रेम में FBD दिख रहा है तुमको? Yes, sir. बेटा एक काम करो जरा, ये जो सिस्टम है अब इसमें टेंशन इंटरनल है. हाँ. यस सर. तो कौन सी फोर्स है जो स्लिपिंग डिसाइड करेगी? सूडो. सूडो फोर्स. इस पे सूडो इधर लग रही है, इस पे सूडो इधर लग रही है. आप बताओ कौन सी फोर्स है जो स्लिपिंग डिसाइड करेगी? सूडो फोर्स डिसाइड करेगी. हाँ. किस पे ज्यादा है सूडो फोर्स? टू वाले ब्लॉक पे ज्यादा है. तो टू वाला आगे जाएगा राइट की तरफ, और उसको कंपनसेट करने के लिए वन वाले को किधर आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा. सर अभी भी टेंशन तो है ना पुली के उस साइड है बेटा. सर वो एक सिस्टम मान लेंगे तो भी टेंशन. हां सर. हां इधर टेंशन होगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई लेना देना है तुम्हारा? नहीं सर. सर हां बोलो बेटा. सर अगर हम लोग वो दो ब्लॉक को ही एक सिस्टम मान ले तो? नहीं मान सकते बेटा. क्यों सर? कौन बताएगा दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम क्यों नहीं मान सकते? पूरा फ्रेम रोटेट कर रहा है बेटा टेबल के साथ साथ. मतलब अगर तुम इमेजिन करोगे तो देखो तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, ऐसा हो रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से देखने पे. ये पूरा पूरा जो माल मसाला है ना, ये पूरा पूरा जो आपको ब्लॉक्स देख रखे हैं, ये दोनों ब्लॉक्स क्या करते हुए दिख रहे होंगे तुम्हें ग्राउंड फ्रेम से? रोटेट करते हुए दिख रहे होंगे. तो ये जो मैंने फ्रेम बनाया हुआ है, तुम ऐसे इमेजिन करो कि इस फ्रेम को पूरे को क्या कर दो, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा दो. घुमा दो. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस. ये पूरा पूरा फ्रेम इस बड़े से सर्कल में ऐसे करके क्या कर रहा होगा बेटा? बोलो, फील आती है? और ऐसे रिलेटिव स्लिपिंग भी होते हो रहे हैं ना, ऐसा घूम रहा होगा. बोलो, क्लियर हुई ये बात? यस सर. ग्राउंड फ्रेम से निकल के हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स का पुली भी घूम रही होगी ना? हां जी, क्या कह रहे हैं आप? ब्लॉक्स का पुली भी घूम रही होगी ना इसके साथ? हां, पूरा पूरा ये पूरा ये जो रेड कलर का फ्रेम है ना, ऐसा इमेजिन कर, ये रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है तेरे को जो बोल्ट से किया मैंने? हां सर. यस सर. बस ये पूरा फ्रेम पकड़ के घुमा दे ऐसे करके. सर वो मेरी गो राउंड पे पूरा सिस्टम रख दिया ऐसा सोच लो और घूम रहा है. सर एनएलएम में उसको खींच रहे थे ना हम? हां, एनएलएम में हम फोर्स लगा के खींच रहे थे बस. बेसिकली एनएलएम के क्वेश्चन में जो आप फोर्स लगाते थे वही फोर्स की जगह तो सूडो फोर्स आ गई है यहां पे. और कुछ हुआ है क्या नया? नहीं सर. सर ग्राउंड फ्रेम से रिलेटिव स्लिपिंग भी दिख रहा होगा ना हॉरिजॉन्टल सर्कल के साथ साथ? बेटा स्लिपिंग तब दिख रहा होगा ना जब ओमेगा इससे ज्यादा होगा. अभी तो हमने जस्ट स्लिपिंग की बात करी ना बेटा. ओके सर. हाँ सर. तो जस्ट स्लिपिंग पे तो दोनों साथ साथ ही खड़े होंगे ना? यस सर. सर बट दिस क्वेश्चन इफ यू ऑल द ब्लॉक्स अलोंग विद द पुली एज अ सिस्टम
हाँ जी क्या कह रहे हैं सर इज इट ओके टू टेक बोथ द ब्लॉक्स अलोंग विद द पुली एज अ सिस्टम नो आफ्टर बिकॉज दे विल स्लिप टुगेदर विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस ओके सर Until unless slipping is not happening, till only till then you can consider them as the same system. Okay, sir. Sir, एक doubt है HCV से. So I have a question. हाँ बोलो बोलो. हाँ बोल. So but actually in this sum, if you take they both having the same acceleration, you still get the right answer. You they both having the? So if you take both have the same acceleration, no, we'll still get the right answer. Where? In this case. We are having the same acceleration. So acceleration की value तो same होगी, value तो same होगी दोनों की. हाँ sir, so then why not take it? So just the direction is opposite, but we can take. तो direction opposite है ना? Direction opposite है ना बेटा? हाँ sir, so you can't consider as one of them. बोलो, यहाँ तक बात समझ में आती है? हाँ sir. Yes sir. पक्की बात है. Sir, any other question तो? अब एक मिनट रुक जाओ बेटा एक चीज सुन लो यस सर कुछ बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट और होगा मैं चाहता हूं मैं वो भी यहां क्लेरिफाई कर दूं कि सर अगर अपन इसको ग्राउंड से देखते कहां से देखते ग्राउंड से तब हम सूडो की बात करते क्या नहीं सर नहीं सर नो तब हम सेंट्रीपिटल की बात करते बोलो बात करते कि नहीं बात करते हां सेंट्रीपिटल की बात करते तो सर हमको ये फील कैसे आ जाता कि टू पे फ्रिक्शन अंदर लगाना है और वन पे फ्रिक्शन किधर लगाना है yes, yes, ये सवाल है ना तुम्हारे दिमाग में yes, तो is the number of forces acting on the body, right? तुम्हारा सवाल भी मुझे सोचना पड़ेगा देखो इधर देखो दिमाग लगाते ना मैथमेटिक्स लगाते तो चीजें दिखती इधर देखो अब मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूँ किस फ्रेम से बात कर रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम से और एक ही बार बताऊंगा बेटा दोबारा नहीं बताऊंगा ये 2 kg और ये कितना है 1 kg हाँ भाई अगर अपन ग्राउंड से बात करें तो हमको ये सोचना है भाई सूडो फ्रेम से तो अपने को बहुत क्लियरली दिखा ये बात कि 2 kg वाले पे ज्यादा सूडो फोर्स लग रही थी बाहर की तरफ तो उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी राइट की तरफ थी इसलिए फ्रिक्शन उसमें किधर आया लेफ्ट की तरफ आया नाउ अब सर हमें ग्राउंड से चमकाइए ये बात कि हम ये कैसे बात कर लें कि 2 kg पे फ्रिक्शन किधर आना चाहिए अंदर ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 kg पे हम फ्रिक्शन किधर लगाते बाहर लगा सकते थे और 1 kg पे फ्रिक्शन किधर लगाते अंदर लगा सकते थे एक ही बार में पकड़ना बेटा ओरली बताया जाएगा एक बार बताओ ये दोनों सर्कल में घूमते दिख रहा हूँ यस सर हाँ सर नहीं आई बात समझ में आगे सर इसमें से किसको ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए सर 2 kg वाले को 2 kg वाले 2 kg वाले को ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए यस तो इसीलिए 2 kg पे टी प्लस एफ सेंट्रिपिटल देगा और 1 kg पे टी माइनस एफ नहीं यही बात समझ में सर फिर से समझाओ ना बहुत ऊपर से गया सर हमारे देखो इधर ध्यान से सुनो चलो इस पॉसिबिलिटी को उल्टा मान लेते हैं मान लो तुमने 2 kg पे किधर फ्रिक्शन लगा दी बाहर लगा दी और 1 kg पे किधर फ्रिक्शन लगा दी अंदर लगा दी तो टेंशन तो इस पे भी लग रही है तुमको ज्यादा चाहिए किस पे 2 पे चाहिए ओके सर तो किस पे एफ साथ में आना चाहिए था सपोर्ट करता हुआ सेंट्रिपिटल में ओके सर 2 पे आना चाहिए साथ आना चाहिए था ये बात चमकी नहीं चमकी तुमको अबे क्योंकि 2 का मास ज्यादा है बेटा mv स्क्वायर बाय r में जिसका मास ज्यादा होता है बाकी सब सेम है ना दोनों का रेडियस सेम है दोनों का ओमेगा सेम है तो मास से डिसाइड करोगे ना सेंट्रिपिटल फोर्स हां यस सो इसलिए फ्रिक्शन किस पे सपोर्ट करेगा सेंट्रिपिटल में 2 kg को 2 को सपोर्ट इसीलिए 2 पे फ्रिक्शन अंदर आएगा और 1 पे फ्रिक्शन बाहर आएगा ओके 2 पे t + f लिखेंगे और 1 पे क्या लिखेंगे सेंट्रिपिटल में माइनस f लिखेंगे t - अभी चमका कि ऊपर से गया बेटा ये बात भी सर लेकिन दिमाग हम लगाते थोड़ी है सर दिमाग तो हम लोग बचा के रखते हैं अरे सो वी ट्राई ना ऑलराइट चलिए तो दैट इज ऑल फॉर टुडे नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू आई विल सेंड यू द होमवर्क ऑन द ग्रुप व्हिच क्वेश्चंस फ्रॉम एचसी वर्मा यू हैव टू अटेम्प्ट प्लीज विद प्रॉपर सिंसियरिटी आप नेक्स्ट मंडे तक उस काम को खत्म करके रखिएगा बोले ये बात समझ में आती है सर ऑल्सो दिवाली के लिए आराम से दिवाली मनाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप दिवाली मनाएं ना मनाएं सब करिए आराम से बट प्ले अ सेफ दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल
ये बात समझ में आती है? हां सर। सेकंड, बहुत ज्यादा दिवाली मोड में जाने की जरूरत नहीं है कि पता चला रिलैप्स कर जाओ, एक जिस दिन दिवाली है उस दिन दिवाली मना लेना, राइट? वंश ये रही बेटा, ये है ट्रिक स्लाइड, देखो ये ट्रिक स्लाइड ही दिखा रखी है मैंने, मैंने उस एक्सेलरेशन को और जो कंसेप्ट था वो ये था, कंसेप्ट मैंने ये लिखा हुआ है। दूसरी चीज, जो होमवर्क दूंगा वो कर लेना, प्लीज प्ले अ सेफ दिवाली, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। सेम टू यू सर। सेम टू यू सर। आल्सो आल्सो आई एम टेलिंग यू, अभी बता दे रहा हूं, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज टेस्ट आफ्टर दिवाली। So you said that for calculus, but you never took one. So should we not study this time? अब तुम समझो बेटा इस बात को। I said about a test and I did not take that test. ये भी तो अपने आप में एक सरप्राइज है। Yes. अरे ये भी तो सरप्राइज है कि नहीं है? सोच के बता। Very good. Sir, किस टॉपिक पे? That's the PG. It's not a surprise. टॉपिक पे सर। The topic of surprise will be the total syllabus that you have learned till now. Kinematics plus NLM plus friction plus... So that's okay. Okay, sir. ठीक है, सब कुछ आएगा. So even circular also? Yes, circular also. ठीक है ना? Sir, sir, वो doubt, एक doubt का छोटा सा. हाँ, जल्दी बोल बेटा. Sir, the force exerted...